ओवर टू विनीत जी। या बहुत नया इन्फॉर्मेशन था मॉर्निंग, गुड आपका, मॉर्निंग बहुत नया एवरीवन। इन्फॉर्मेशन था कोठारी साहब। मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग विनीत भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कोठारी जी, योर इनिशिएटिव हैज ऑलवेज टेकन द एजुकेशन वर्ल्ड एंड द ट्रेडिंग टू अ Completely different level, and जिस तरह से आप शेयर करते हैं जो मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा है। स्ट्रैडल इज अ वेरी वेरी यूनिक कंसेप्ट एंड मैं देखता हूँ आपकी जील उसके पीछे बहुत हाई है एंड एवरी डे यू आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू इन दैट। बाकी सबसे अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था आप लोग का स्ट्रैडल का भी, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा है स्ट्रैडल, लीप स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड, बट इसको समझिए पहले, क्योंकि मार्केट में लाइव मार्केट में क्या होता है कि जब वो मूवमेंट आता है ना, प्रीमियम अप डाउन होगा तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कोठारी जी इज अ प्रो। लेकिन अब क्या है कि जब वो मूवमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैडल्स हैं, तो इसको समझिए, डिजाइनिंग को समझ जाएंगे ना हेज की, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। मोस्टली हमारे इस ग्रुप में हम जो देखते हैं कि हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स को लेके हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल एंड उस तरह के ट्रेड्स बनाते हैं, बट आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू समझ सकते हैं कि मार्केट में हमको क्या करना चाहिए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने हमेशा सुना है कि ट्रेंड इज आर फ्रेंड, तो ट्रेंड हमको पता कैसे चले। हमसे हर कोई बोलता है कि ट्रेंड के साथ रहो, बड़ा टाइम फ्रेम को देखो, छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा, लेकिन वो फॉलो करेगा तो किसको फॉलो करेगा, वहां ट्रेंड है क्या और उसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। आज हमने सपोज आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड है कि नहीं है, हम सही हैं कि नहीं है, ये हम किससे पता करें। तो आज हम देखेंगे कि ये हम प्राइस से पता करेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन, ना कोई इंडिकेटर को यूज करेंगे, ना किसी तरह का कोई फॉर्मेशन को यूज करेंगे, हम ये सिंपल प्राइस से पूछेंगे कि भाई ट्रेंड क्या है, हमको कब इसमें एंटर करना है, हमको कब तक इसको राइड करना है और कब हमको इससे एग्जिट करना है। तो चलिए, भाव भगवान छे हम लोग जानते हैं, तो भाव से पूछते हैं, कैंडल से पूछते हैं, प्राइस से पूछते हैं कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। मैं शेयर करता हूं। आप लोग ने सुना होगा कि बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स है जो आपको बहुत पहले बता देता है प्राइस के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में और क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट आने वाली न्यूज तक को ये कई बार डिस्काउंट कर देता है। मैं एक बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं इस फैक्ट का कि प्राइस जब भी मूव करेगा तो उसके मूव करने के पीछे एक रीजन होता है, किसी का फायदा होता है। अगर किसी का फायदा इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्राइस मूव नहीं करता है। अब फायदा कैसे होगा कि किसी की पोजीशन होगी, तो अगर किसी की पोजीशन होगी तभी प्राइस मूव करेगा। अदरवाइज आप देखोगे कई बार न्यूज आती है, प्राइस में रिएक्शन आता है लेकिन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो फिजल आउट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज वो एक स्पाइक की तरह प्ले करके निकल जाता है, बिकॉज किसी ने वो एंटिसिपेट नहीं किया था, उसके लिए पोजिशन नहीं बनी हुई थी या हो सकता है उसके अगेंस्ट पोजिशन खड़ी। तो इन चीजों को हम समझेंगे एंड कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको भी देखेंगे एक सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू। तो अभी प्राइस एक्शन है क्या, आप लोग ने इस टर्म को सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी क्या है, मिस्टर चार्ल्स डाउ ने बनाया था एंड द ओनली इशू वॉज कि उन्होंने इसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कभी भी पब्लिश नहीं किया। तो देर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस डाउ थ्योरी के जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, मैं इसको कैसे देखता हूं और मैं इसको कैसे यूज करता हूं। तो डाउ थ्योरी क्या है कि ये एक बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है जो कि हर एक पैरामीटर्स, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ प्राइस एंड न्यूज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज। न्यूज मतलब क्या, कि अगर कोई न्यूज एंटिसिपेटेड है एंड बिग हेज फंड्स, बिग इन्वेस्टर्स जो हैं, दे हैव देयर ओन रिसर्च डेस्क एंड उनके पास कहीं से उनको ये समझ में आता है कि इस तरह का कुछ इवेंट हो सकता है, सो दे क्रिएट अ पोजिशन अकॉर्डिंग टू इट।
Now, what happens is when the position is created, it is reflected at two places. Number one is the data and number two is the charts. Because position banegi to wo dikhegi. And usko dekhne ka aur padhne ka tarika bas humko aana chahiye. Aur agar wo humko aa jata hai, to hum usko read kar sakte hain. To ultimately hota kya hai, agar aap isko read kar lete ho, it becomes a leading indicator and it works for you in that. As I said earlier, this is a directional strategy that we'll be discussing. इसमें आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसकी कंफर्मेशन ले पाओगे, उसको राइड कर पाओगे, उसमें एंट्री ले पाओगे, उसको एग्जिट कर पाओगे. बहुत सिंपल है ये स्ट्रेटजी, देयर इज नथिंग मच इन दिस. फॉर अ बुलिश सेटअप वी कंसीडर थ्री थिंग्स, दैट इज इट शुड गो विद अ हायर हाई, इट शुड मेक अ हायर लो, एंड द क्लोजिंग शुड बी अबव द प्रायर हाई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज दैट देयर इज अ कैंडल हियर, देयर इज अ दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द विक. The follow-up candle must be like this. Now, in this candle, what you see is that this high is greater than this high. This low is greater than this low. And here, this is a closing. If I consider it as a green candle, so the closing is above the high of this candle. When all the three conditions are met, then what we do is we wait for the price to open here or even sustain here. It may open here. It may come here, sustain for a while. If the price sustains here, then we see whether the price is going to give a retracement, as this is the nature of the price. Price grows up, it gives a retracement and it again goes up. So, yahan par hum wait karenge ki yahan par ek retracement aa rahi hai ki nahi, ya yahan se upar jayega. Agar retracement ki humko lagegi possibility, to hum wait karenge aur retracement pe yahan buy karne ki koshish karenge. अगर हमको लगेगा नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाय ये यहीं पर बाय कर लेंगे. अब ये हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ये आपने ट्रेडिंग डिसीजन, देखिए यहाँ पर दो चीजें. फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग डिसीजन, दिस इज द पार्ट वेयर वी टेक द ट्रेडिंग डिसीजन, एंड दिस इज द पार्ट वेयर वी टेक द ट्रेड, दिस इज द स्टेप टू. सो दीज आर द टू स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो फॉर एवरी ट्रेड. One is the trading decision that हमने लिया, and second is the trade where it is initiated. अब मैंने यहाँ बोल तो दिया कि यहाँ consolidate करेगा, तो यहाँ से हमको देखना है कि ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, retrace करेगा या यहीं से ऊपर जाएगा. तो ये कैसे पता चलेगा? तो जिस time frame पे आपने ये trading decision लिया है, उसके एक step नीचे छोटे time frame पे अगर आप जाके यहाँ देखोगे, तो वहां पर भी उसमें इस तरह का pattern बन रहा होगा, बिना इसके नहीं बढ़ेगा. तो जब वो पैटर्न बनेगा तो आपको पता चलेगा. अगर वहां पर ये इस तरह का पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ कंसोलिडेट करके अब ऊपर निकलेगा. और अगर वहां पर हमको इस तरह का पैटर्न मिलेगा, विच इज अ बेयरिश सेटअप, थ्री रूल बेयरिश सेटअप, विच सेज दैट द लो शुड बी बेयर, लो शुड बी बिलो द प्रायर लो, द हाई शुड बी बिलो द प्रायर हाई, एंड द क्लोजिंग शुड बी बिलो द प्रायर. नाउ हियर इन दिस कैंडल यू विल सी दैट द लो इज बिलो द प्रायर लो, the high is below the prior high, and even the closing is below the prior low. So, jab humko yahan par chote time frame mein dikhega ki is tarah ka ho raha hai, we'll wait for a retracement. Chote time frame mein humko dikhega ki is tarah ka ban raha hai, we'll go for the entry. Hum yahin par entry lenge. Ab isme aati hai baat ki isme hum isko total trade ko hum isme stop loss kaise lenge. To aap dekho yahan par agar hamare is tarah ke do candles bante hain. Now this is a bullish setup. We are getting a higher high, higher low, and a close above high. So हम क्या करते हैं, जो first candle होती है for Nifty, I am saying for Nifty, ये जो low है इसके 20 points नीचे को हम stop loss मान लेते हैं. Similarly, अगर हमारा ये वाला rule बनता है, bearish setup बनता है, तो first candle के जो high है उसके ऊपर 20 points पे हम stop loss कर लेते हैं. Now if it Nifty 20 points is working, so bank Nifty में proportionately you can say 40-45 points would work. तो इससे होता क्या है कि आप एक बहुत बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हो, और इसको हम आगे चार्ट पे भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करना है. एक इसमें एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन इज द आउटसाइड कैंडल. नाउ व्हाट इज एन आउटसाइड कैंडल? एन आउटसाइड कैंडल इज सपोज देयर इज अ कैंडल हियर एंड द नेक्स्ट कैंडल फॉर्म्स लाइक दिस. नाउ दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड दिस इज सपोज अ रेड कैंडल. नाउ व्हाट हैपेंस, द कैंडल हैज गिवन अ लोअर लो, a close below the low, but the high is above the prior high. So when a high is above the prior high, to yahan par kya hai ki ye teenon condition set nahi ho rahe.
सो दिस बिकम्स आर आउटसाइड कैंडल. व्हेनेवर यू सी एन आउटसाइड कैंडल, जब भी आपको ये आउटसाइड कैंडल मिलेगी तो आप यहां पर ट्रेड को या ट्रेंड को चेंज नहीं करोगे. इवन इफ द क्लोजिंग इज कमिंग बिलो द प्रायर लो, सपोज आप एक बुलिश ट्रेंड में चल रहे थे एंड यू गेट अ क्लोजिंग बिलो द प्रायर लो, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो कैंडल ने क्लोज किया है प्रायर लो के नीचे, उस कैंडल का हाई जो है वो प्रायर हाई के नीचे है कि नहीं. अगर उस कैंडल का हाई जो है वो प्रायर हाई के ऊपर होता है, देन इट बिकम्स एन आउटसाइड कैंडल. तो अगर एक आउटसाइड कैंडल है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे और हम उसमें ट्रेंड को चेंज नहीं करेंगे. वी विल कंटिन्यू विद द ट्रेंड इन विच वी वर देयर. इस सेटअप के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज वी ऑल नो देयर इज नथिंग कॉल्ड होली ग्रेल इन द मार्केट. सो हमको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है. नाउ हाउ आई रीड दिस, हाउ आई रीड इट एंड हाउ आई यूज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, इट इज नॉट अ होली ग्रेल. सेकेंडली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये जो सेटअप है ये आपको एंट्री देगा, राइड कराएगा और एग्जिट भी देगा. बट इसमें जब क्या होता है कि मार्केट जो है वो हमेशा तो ट्रेंड में नहीं होता है, मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज होता है. अब जब मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज होगा तो वहां पर क्या है कि ये आपको माइनर प्रॉफिट्स एंड माइनर लॉसेस में एंट्री एग्जिट कराता रहेगा. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होता है, एक नॉर्मल बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, तो वो 12 महीने एक तरह से नहीं चलता है. कभी कभी पीक आपके ऑर्डर फ्लोज अच्छे होते हैं, पेमेंट्स टाइम पे आने लगते हैं, आपको रॉ मटेरियल ठीक मिलता है एंड एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली. सिमिलरली, अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हो, यू कैन कन्वर्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी इनटू अ प्रॉपर बिजनेस. हाउ? बिकॉज अगर आप इसको यूज करोगे तो यू विल सी कि जिस समय मार्केट साइडवेज होगा, आपका नॉर्मल बिजनेस चलता रहेगा, लाइक अ रूटीन बिजनेस. थोड़ा प्रॉफिट आएगा, थोड़ा लॉस आएगा. बट जब पीक करेगा, जब ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, यू विल गेट अ एंट्री वेरी सून एंड यू विल बी एबल टू राइड द एंटायर ट्रेंड. आपको कहीं पर भी फॉल्स एग्जिट नहीं देगा ये. इसको बड़े बड़े हेज फंड यूज करते हैं. दिस इज अ क्लासिक प्राइस एक्शन थ्योरी. देयर इज नो MACD, नो सुपर ट्रेंड, नो इंडिकेटर्स यूज्ड इन इट. हम प्राइस से पूछते हैं कि हमको कब एंटर करना है, हम प्राइस से पूछते हैं हमको कब तक राइड करना है. एंड ये आपको बहुत लॉन्गर ट्रेंड्स राइड करने में हेल्प करेगा. और जैसे बोलते हैं, इट इज अ सेइंग दैट डोंट कीप एनी व्यू फॉर द मार्केट, बट वन कैन नॉट स्टे विदाउट मेकिंग अ व्यू. तो अभी क्या है कि हम लोग को मालूम है कि एक मार्केट के लिए हमको व्यू नहीं रखना चाहिए. तो अब क्या है कि व्हेन यू नो दिस थ्योरी, तो आपको व्यू रखना ही नहीं है. यू नो 2+2=4. सो व्हेन यू हैव दीज रूल्स जो हमने पहले डिस्कस किए, एंड इफ यू इम्प्लीमेंट द रूल्स, तो आपको एक मिनट में देख के पता चल जाता है कि अभी इसका ट्रेंड क्या चल रहा है. सपोज यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, सो यू विल यूज अ हायर टाइम फ्रेम, यू विल यूज अ मंथली और अ वीकली टाइम फ्रेम टू जज कि अभी इसका क्या ट्रेंड है, अभी ये स्टॉक, अभी ये इंस्ट्रूमेंट किस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है. सपोज करिए कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप डे टाइम फ्रेम, वीकली डे टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, 2 आवर्स को यूज कर सकते हैं. अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं, तो आप डेली अर्ली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब यह है, इट वर्क्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, इट वर्क्स अक्रॉस ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स. आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आप फ्यूचर्स में करते हैं, आप कमोडिटीज में करते हैं, करेंसी में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, हर जगह ये वर्क करता है. बिकॉज ये सिंपल प्राइस एक्शन से बना हुआ है, प्राइस से बना हुआ है, एंड इट विल टेल यू कि आपको कब क्या करना है. सो अ डाओ थ्योरी ट्रेडर विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड गो अकॉर्डिंगली. सिंपली चूज द राइट टाइम फ्रेम. जैसे मैंने भी आप लोग को बताया, जिस टाइम फ्रेम के आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आप उसको यूज करिए एंड आप उसको यूज करके देखिए कि आपको कैसे उसको, आपको वो क्या बता रहा है. अगर आपको बता रहा है कि अभी आपका ट्रेंड बाय में है, तो आप उसमें बाय का ट्रेड खोजिए. हमेशा याद रखिए, देर आर 2 स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट इज योर ट्रेडिंग डिसीजन दैट आई हैव टू ट्रेड इन दिस डायरेक्शन. सेकेंड इज योर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है. आप लोग ने सुना होगा कि हमेशा ट्रेडिंग डिसीजन हायर टाइम फ्रेम से लेते हैं एंड ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्मॉलर टाइम फ्रेम से होता है. नाउ इसका लॉजिक भी यहाँ क्लियर होता है. एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि जब हमको यहाँ पर इस तरह का कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग डिसीजन कंफर्म होता है. वंस अ ट्रेडिंग डिसीजन इज कंफर्मड, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगी. व्हेन द प्राइस सस्टेन्स, इट टेल्स अस वेदर इट विल रिट्रेस और वेदर इट विल गो अप. अकॉर्डिंगली वी टेक अ ट्रेडिंग, वी एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स हियर.
इन चीजों को हम लोग को बस ध्यान रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज क्वाइट सिंपल. इट टेक्स वेरी वेरी लेस टाइम टू इवेल्युएट अ स्टॉक कि अभी वो किस ट्रेंड में है, अभी आपको उसमें क्या करना चाहिए. विनीत जी थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए लोगों को, तो थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कब बाय करना है और कब सेल करना, एक बार फिर से रिपीट करा दीजिए छोटा सा छोटे उसमें. करेक्ट, आई विल डू इट अगेन. सो आई विल अगेन टेल यू अबाउट दीज रूल्स वंस अगेन. ओके, सो आप देखो जब भी मार्केट, सबसे पहले देखिए मार्केट को समझिए. मार्केट में देर आर टू मूव्स, वन इज एन इम्पल्स मूव, वन इज अ करेक्टिव मूव, देन अगेन कम्स एन इम्पल्स मूव. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर एन इम्पल्स मूव ट्रेडर यू कैन राइट द ट्रेंड. इन दिस करेक्टिव मूव बेसिकली वी सी कंसोलिडेशन एंड दिस इज द टाइम वेयर स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स वर्क वेरी वेल. दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट इन द स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल्स. And this is the time when we get a very good return in the straddles and strangles because yahan par ek consolidation hota hai. This is a very slow move called as the corrective move. Now what the best part about this Dow theory or the Dow theory pattern is, it will help you. Ye aapko help karega is trend ko ride karne ke liye. Maximum time retailers ke saath hamare saath kya hota hai ki hum log yahan par trend ko dekhte hain, kahin na kahin entry lete hain, kahin na kahin nikal jate hain aur phir sochte hain ki agar bane rehte to itna aur milta. कई बार हम यहाँ से देखते हैं ट्रेंड चल रहा है, हमको लग रहा है निकलेगा, लेकिन हम होता क्या है छूट जाता है, यहाँ आता है फिर अब हिम्मत ही नहीं होती है लेने की. तो ये जो छूट जाता है ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एक सेट डेफिनेट रूल या एक प्रिंसिपल नहीं है कि हमको किसको देख के लेना है. कोई एमएसईडी को देख रहा है, कोई सुपर ट्रेंड को देख रहा है, कोई मंथली टाइम फ्रेम देख रहा है, कोई वीकली देख रहा है, कोई डेली देख रहा है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आप किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं. आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप एक स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप एक इंट्राडे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करें. मैं जो देखता हूं लोगों का 90% परसेप्शन ये रहता है कि मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेना चाह रहा हूं. अगर इंट्राडे में मिला तो इंट्राडे में ले लूंगा, नहीं तो स्विंग है. अगर स्विंग में मिला तो ठीक है, नहीं तो अपने पोजिशनल तो है ही. इस अप्रोच को चेंज करनी चाहिए. तो क्या होगा कि आप फिर उसी चीज को देखोगे जो आपको देखना है. अगर आपको पोजिशनल लेना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखोगे, आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन मंथली वीकली टाइम फ्रेम से लोगे. अगर आपको स्विंग करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको स्विंग करना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो उस केस में आप वीकली डेली टाइम फ्रेम को देखिए, आवर्ली चार्ट से ट्रेड लीजिए, एग्जीक्यूशन आवर्ली पे करिए. अगर आपको इंट्राडे करना है आप डेली टाइम फ्रेम को देखिए, आप वीकली और मंथली को देख सकते हैं एंड उसके साथ आवरली के साथ 15 मिनट्स पे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन को लीजिए, क्योंकि आपको तो इंट्राडे करना है. तो इस तरह से हम पहले इसको समझेंगे कि ट्रेडिंग डिसीजन हमको कौन सा लेना है, हमको एक्चुअली करना क्या है इस स्टॉक में, और उसके बाद हम प्रॉपर टाइम फ्रेम को देखेंगे और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे. उसके एक स्टेप या दो स्टेप छोटे टाइम फ्रेम पे हम एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे, वहां फिर से प्राइस से पूछेंगे विद द सेम रूल्स. एक चीज इसमें आप देखिएगा, द रूल्स आर एब्सोल्युटली द सेम. अगर आपको बुलिश दिखना है तो उसको ये दिखाना होगा, बेयरिश दिखना है तो ये दिखाना होगा. अलग है एक्सप्लेन कि इसमें क्या देखना होगा. ये हमारी कैंडल है, ये इसकी विक्स है, सपोज दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड यहां पर एक और कैंडल बनती है एंड यहां पर इसकी विक है, राइट. नाउ यहां पर क्या होता है, वी सी द हाई is above the prior high. यहाँ पर ये जो low है, this is above the prior low. And ये जो closing है, this is also above the prior high. ये वाले. एक और चीज को इसमें ध्यान रखिएगा कि the color of the candle is not very important in this. Even the color is not important. Why I will tell you. Suppose करिए यहाँ पर एक red candle बनती है. Now this is the closing. This was the opening, right? And this is a high maybe. And this is the low. करेक्ट. नाउ यहां पर एक और रेड कैंडल बनती है, ओके. नाउ दिस इज द क्लोजिंग. तो क्या यहां पर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रहे हैं? द लो इज अबव द प्रायर लो, द हाई इज अबव द प्रायर हाई एंड दिस इज अ रेड कैंडल. सो द लो इज दिस वन, द क्लोज इज दिस वन. सो इवन दिस क्लोज इज अबव द प्रायर हाई. तो यहां पर भी तो ये कंफर्मेशन हो रही है. मोस्ट ऑफ हमारे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स,
तो आप उनमें देखोगे कि रेड कैंडल्स को वी टेक इट एज कि भाई ये तो बेरिश कैंडल है, बट आई टेल यू इसमें कैंडल के कलर का कोई रोल ही नहीं है. आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द थ्री रूल्स एंड द थ्री रूल्स आर वेरी सिंपल. इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर प्रायर ओपन और प्रायर क्लोज. दिस इज प्रायर हाई एंड दिस इज प्रायर लो. दिस इज करेंट हाई एंड दिस इज करेंट लो. तो दिस हैज टू बी अबव दिस, दिस हैज टू बी अबव दिस एंड द क्लोज हैज टू कम अबव द हाई, नॉट अबव द प्रीवियस क्लोज. इट हैज टू कम अबव द प्रीवियस हाई. व्हेन ऑल द थ्री कंडीशंस आर मेट, तब यहाँ पर क्या है, हमारा ट्रेडिंग डिसीजन बनता है. हमको यहाँ जंप नहीं करना है. We don't have to jump into a trade कि भाई देखो और हम कूद गए. नहीं, यहाँ पर हमने जैसे ही ये कंफर्मेशन देखा, we will wait for the price to sustain here. Either it opens anyway here, अगर ऊपर भी gap up खुलता है, it'll come here sustain. मतलब इस high के ऊपर price को sustain करना है. Once we see that the price is sustaining, अब ये sustain कब करेगा? Smaller time frame में करेगा. Suppose आपने ये day time frame में देखा, तो आप देखो यहाँ पर 15 minutes, half an hour या 1 hour chart में यहाँ पर sustain कर रहा है कि नहीं. Once the price sustains here, तो आप देखो यहाँ पर अब वो से 15 minutes या 30 minutes में क्या ये बना रहा है? Higher high, higher low and close above high. अगर ये बना रहा है, तो you can take a trade here. अगर वो ये बना रहा है, then you wait for the retracement. अभी retracement के बाद हम क्या wait करेंगे? Our trading decision is bullish. So retracement क्या हम बस ये देखेंगे कि कहाँ पर आके ये वाला बन रहा है? जहाँ ये तीनों conditions satisfy होंगे, that will be the last point of the retracement. हम वहीं से trade उठा लेंगे. Another thing, the most important thing, कि क्यों आपको इसमें ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा. सी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इज अ ट्रेडर्स मेन इंस्ट्रूमेंट. इसी से आपका हेज डिजाइन होता है. हेज कौन सा करना है? जैसे मैं कई अपने मेंबर्स को बताता हूँ कि देर इज अ कंजर्वेटिव हेज, देर इज एन एग्रेसिव हेज. तो कब आपको कंजर्वेटिव हेज लेना है, कब आपको एग्रेसिव हेज लेना है, डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स. आपका कन्विक्शन, आपको कन्फर्मेशन कैसे मिलते हैं. नाउ ये सेटअप में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है वो मैं बताता हूँ. से 15 मिनट्स, दिस इज अ कैंडल, राइट, एंड दिस इज अ कैंडल. तो अब आपको क्या है कि जब आपको ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो. जब आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है. जब आपका ये डिफाइंड स्टॉप लॉस आपके पास होता है ना, दिस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि मार्केट क्या ले लेगा. इसके नीचे तो नहीं, यहाँ तो मेरा एग्जिट है. अभी तक होता क्या था, मार्केट जो है वो आपसे अपने हिसाब से लॉस लेता था. अब क्या है, मार्केट को अगर हम देंगे तो अपने टर्म्स पे देंगे. दीज आर माई टर्म्स, आई से आई एग्जिट हियर, बट इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा और इसमें भी मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा. मैं हेज में ट्रेड लूंगा और इसमें भी एडजस्टमेंट कर लूंगा. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन सच अ प्लान्ड मोड कि दीज आर माई कंडीशंस, आई विल टेक अ ट्रेड देयर एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस. अब बॉस जो करना है कर लो. And I'll write the trade until and unless you give me an exit. मेरे को नहीं पता मेरा टारगेट क्या है. I don't know the target. I don't want to keep any view. I don't want to set anything for myself. Obviously, देखिए intraday पे या आप swing trade कर रहे हो, in those circumstances आप previous resistance, previous support को देखोगे. Once you see a previous resistance coming and you see price is stabilizing there, तो आप वहाँ पर एक बार exit अपना plan कर सकते हो. ये भी मैं बताता हूँ क्यों. सपोज करिए कि यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है एंड यू आर राइडिंग इट फ्रॉम दिस लेवल और यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है. सो व्हाट हैपेंस इज मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बार अपना एग्जिट प्लान कर लेता हूँ. ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग दिस बेयरिश सेटअप, मैं यहाँ अपना एग्जिट प्लान कर लेता हूँ. बिकॉज आई लेट माई ग्रीड, आई टेल माई ग्रीड कि भाई अभी यहाँ पर एग्जिट करते हैं, इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन देगा तो फिर एंटर करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉट डू आई लूज? आई लूज दिस, हार्डली एनीथिंग. But this gives me a peace, a sense of peace. Because see, अगर आपको इसको as a business करना है, तो you have to set these rules. And इससे अगर आप करोगे ना, तो you will see कि एक बड़े trend को जब एक business का अच्छा period आता है, तो आप उसको ride कर पाओगे. और जो उसका consolidation phase होता है, जो corrective phase होता है, उसमें आपको थोड़ा profit देगा, कभी थोड़ा loss देगा, but it will be minor. I'm not saying it's a holy grail. मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव इंक्लूडेड दैट पॉइंट वेरी क्लियरली कि ये आपको एग्जिट कई बार लॉस में भी देगा. यू विल सी, इट विल समटाइम्स गिव यू एग्जिट इन लॉस, बट ये लॉस जो होंगे बहुत माइनर होंगे. अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि कैसे ये हमको लॉस देता है, कैसे वो माइनर होते हैं, क्यों वो माइनर होते हैं, कैसे एक बड़े ट्रेंड को हम ट्रेड करते हैं. सो कोठारी जी, शुड आई मूव ऑन टू द चार्ट्स नाउ? या
I think it is clear to everybody, or anybody has a doubt on this basic system, on the doubt theory. So questions ko we'll take it at the end. Okay. And because we'll be continuing with this, and isme hum bahut kuch dekhenge abhi chart pe dekhenge, we'll relate it to the data and how it works with VWAP, many things we'll be seeing. To abhi ye chalega hamara. Okay. So let's go to the chart. First of all, I'll start with Nifty. To agar hum abhi Nifty mein dekhen, एक और चीज देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम रिटेलर्स जो होते हैं ना, उनमें ये रहता है कि हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। अब इंट्राडे ट्रेड करना है क्योंकि वो एक अलग चार्म है, एक अलग उसमें एक अट्रैक्शन है कि कुछ ना कुछ तो करना है। मार्केट 9:15 खुल गया, हमने कुछ किया नहीं, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और हमने कुछ किया नहीं। नाउ दिस इज अ फोमो काइंड ऑफ अ फीलिंग जो सबके साथ आती है एंड आती रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैं कई सारे लोगों को बोलता भी हूँ कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आप नए ट्रेडर हो ना, तो आप पहले पोजिशनल ट्रेड को ट्राई करो। पोजिशनल ट्रेड में इतने स्विंग्स नहीं होंगे, पोजिशनल ट्रेड में इतनी हाई वोलेटिलिटी नहीं होगी, एंड वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, कई सारी चीजें आपको सिखा देगा, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड राइट करना, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे विदाउट विप्सॉज ऑफ द मार्केट, जिससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं टूटेगा। अधिकतर लोगों का होता क्या है, 2 या 3 लॉस के बाद कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है, वो सेटअप छोड़ देते हैं एंड उसके बाद दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू सेटअप, स्ट्रेटजी हंटर जिनको हम बोलते हैं। तो वो नहीं होगा। नाउ वी विल सी हियर कि एक वीकली टाइम फ्रेम में, इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एज यू कैन सी। आई होप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। सो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि दिस इज अ वीकली चार्ट। नाउ यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, दिस वॉज अ ट्रेंड, दिस वॉज अ ट्रेंड, राइट। नाउ ये जो ट्रेंड है, ऐसा कोई सेटअप है जो हमको हेल्प करेगी हम इस ट्रेंड को राइड कर सकें? ऐसा कोई सेटअप है जो हमको हेल्प करे हम इस ट्रेंड को राइड कर सकें? ऐसा कोई ट्रेंड है जो हमको हेल्प करे हम इस ट्रेंड को राइड कर सकें? एंड वॉट आर दीज? दीज आर करेक्टिव मूव्स, दीज आर गोल्डन एरास फॉर कोठारी जी, फॉर ऑल द स्ट्रैडल पीपल। सो अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे राइड कर सकते हैं, कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर इस कैंडल को देखता हूँ, नाउ दिस इज विच कैंडल, दिस इज ओके 19/4/2021। ओके, तो अगर हम इस कैंडल को देखते हैं, ये स्क्रीन ठीक है या मैं इसको और बिग करूं? सर थोड़ा सा इनलार्ज कर लीजिए, बहुत छोटा दिख रहा है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ मच बेटर। ओके, और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना? ओके, सेंटर में लेकर के। ओके, नाउ इज इट क्लियर? यस, ठीक है। ओके, अब आप लोग देखोगे, दिस वाज अ पीरियड जो अभी हम देख रहे थे, राइट? दिस वाज करेक्ट। तो अब आप लोग देखोगे यहां पर ये पीरियड अभी हमने देखा जून का। नाउ हियर व्हाट वी सी इज दिस कैंडल लो इज लेस देन दिस कैंडल लो, दिस कैंडल हाई इज लेस देन दिस कैंडल हाई, एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल इज अबव द प्रायर कैंडल। ओके, आई रिपीट दिस अगेन, वी विल ओनली सी दीज टू कैंडल्स राइट नाउ। ओके, अब इन दोनों कैंडल्स में आप देखो, दिस हाई इज अबव द प्रायर हाई, दिस लो इज अबव द प्रायर लो, एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल इज अबव द प्रायर हाई। एम आई राइट? आप में से कोई भी एक जन मेरे साथ इंटरेक्ट करिए प्लीज। यस सर, यस सर, यस। ओके, नाउ यहां पर आप लोग ध्यान से देखो कि जब ये होता है तो क्या हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजन बन जाता है? जी सर, एक बार हमारे यहाँ ट्रेडिंग डिसीजन बन गया, दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम, हम डेली टाइम फ्रेम पे अब क्या फाइंड करेंगे
कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको इस तरह का पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, एंड अगर मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे जी। आप लोग यहां पर देखो कि ये ट्रेंड में एंटर करने के बाद हमको क्या एक भी कैंडल का लो क्लोज प्रायर कैंडल लो के नीचे मिला? नहीं नहीं, जहां पर मिलेगा आप लोग टॉप पे मिला सर, टॉप पे यहां पर मिला, यहां पर मिला तो इस कैंडल पे मेरा एग्जिट बनता है। तो अब आप देखो यहां पर ये क्या लेवल था, दिस वाज अराउंड 14,200। व्हाट इज दिस लेवल? दिस इज अराउंड आई थिंक 17,500 जी। तो व्हाट इज द लेवल? आप देखो इतना बड़ा ट्रेंड विदाउट एनी कंफ्यूजन और एनी एडजस्टमेंट आपने राइड किया। सो दिस कैन हैपन जस्ट बाय जस्ट फॉलोइंग दिस सिंपल रूल विल अगेन कम। आप देखो ये एक आपका वो था कंसोलिडेशन फेज, आप इसमें भी बैक टेस्ट करके देखना, आपको छोटे छोटे जगह पे एंट्री देगा, छोटे छोटे जगह पे फिर एग्जिट भी दे देगा। बट अब हम यहां आते हैं, जब ये बॉटम बना एज अ डाओ प्रैक्टिशनर आप देखोगे यहां पर जब बना तो आप देखोगे दिस टू कैंडल्स, नाउ दिस इज अ रेड कैंडल राइट। एक बार इसको हम चेक करते हैं, तो ये जो ग्रीन कैंडल इसका हाई कितना है 15,749.25 राइट। ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोज कहाँ हुआ 15,752। सो दिस इज रफली अराउंड 3 points ओनली अबव द प्रायर हाई। द लो इज अबव द प्रायर लो, द हाई इज अबव द प्रायर हाई, एंड इवन द क्लोज विद अ रेड कैंडल इज अबव द प्रायर हाई। तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग डिसीजन बन जाता है ऑन दिस कैंडल व्हेन द प्राइस ओपन्स हियर एंड गिव्स अस अ रिट्रेसमेंट, तो क्या हमको यहाँ पर एंट्री मिलती है? नाउ इफ आई कंसिडर दिस फेज, तो क्या हमको कोई क्लोज मिला प्रायर लो के नीचे? यहां पर जाके मिला, यहां पर मिला इस रेड कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे हम एग्जिट कर जाते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन, इसमें हमको क्या मिला? सपोज वी एंटर्ड हियर 15,900, वी गॉट अ एग्जिट हियर 17,300, हाउ मच पॉइंट्स? एनीवन? 1400 points. अब आप देखो यहाँ पर क्या कितना पोटेंशियल है मार्केट में। अगेन वी विल सी हियर, इफ यू कंसिडर दीज टू कैंडल्स, डू वी गेट अ कंफर्मेशन हियर, अ ट्रेडिंग कंफर्मेशन? कैन वी एक्सिक्यूट द ट्रेड हियर? यस यस। व्हाट इज द, अभी तक क्या हमको एक भी एग्जिट मिला? देखिए मैं करंट पे आ गया हूँ, दिस इज लाइव मार्केट नाउ। नहीं अभी भी एग्जिट नहीं है, अभी भी एग्जिट नहीं है। सो राइट नाउ वी आर राइडिंग द ट्रेंड फ्रॉम 17,300 एंड वी हैव क्रॉस 18,600। सो व्हाट डज दिस मीन, कि अभी भी हम 1600 रुपया प्रॉफिट में राइड कर रहे हैं इस ट्रेंड को। इफ अ डाओ प्रैक्टिशनर इज यूजिंग अ पोजिशनल सेटअप फॉर निफ्टी, ही इज राइडिंग 1600 रुपीज। यस सर, इवन द प्रीवियस रेजिस्टेंस द ऑल टाइम हाई कुडंट स्टॉप इट। राइट विनीत जी, इसमें जो एंट्री है वो थर्ड फोर्थ कैंडल में लेंगे हम? ऑलवेज ऑन द थर्ड कैंडल, ऑलवेज रिमेम्बर। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि जो ये सेटअप है ये टू कैंडल सेटअप है, दिस इज नॉट अ टू कैंडल सेटअप, दिस इज अ थ्री कैंडल सेटअप। टू कैंडल विल गिव यू अ ट्रेड कंफर्मेशन एंड द थर्ड कैंडल विल हेल्प यू राइट द ट्रेड। अगर यहाँ मेरे को रिट्रेसमेंट मिलेगा, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर द रिट्रेसमेंट।
विनीत जी इसमें ऐसे भी कर सकते हैं जैसे वीकली टाइम फ्रेम है, अब जब इसके हाई के ऊपर डेड टाइम फ्रेम पे टॉप इन्फॉर्मेशन दे तब ट्रेड ले लो, सबसे इजी है वो। जिसके ऊपर सर जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, अब इसके हाई के ऊपर या रिट्रेसमेंट पे जब भी ए टाइम फ्रेम पे डाउ कंफर्मेशन दे तब ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही तो करना है, एक स्टेप नीचे आना है और उस टाइम फ्रेम में फिर से डाउ कंफर्मेशन देखना है विद द लोकेशन ऑफ द प्राइस। सर 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 इसी वीक का डेली में प्लीज जाएंगे सर और अपने को एंट्री कर से मिला प्लीज। यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आप लोग में जिसका भी बैकग्राउंड नॉइज है आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके ओके स्टार्ट। अब आप लोग देखो यहाँ पर आई रिमेम्बर आई डिड अ वेबिनार ऑन अराउंड 15th ऑफ अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Now these are two red candles. विद्याभूषण जी का बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, हमको म्यूट किया जाए। ओके तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पर ये दो रेड कैंडल हैं, बट क्या हम कह सकते हैं ये दो रेड कैंडल्स में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी? जी सर हो रही है। और अगर ये दो कैंडल्स एज अ डाउ प्रैक्टिशनर देखिए जो डे टाइम फ्रेम को देखता है उसको क्या देखना है, उसको दिन में एक बार देखना है इसको जी राइट उनको दिन में सिर्फ एक बार देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ये यहाँ पर ऐसा बन गया तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, एक ट्रेडिंग डिसीजन हमारा यहाँ पर कन्फर्म होता है राइट राइट सर। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, अब आप देखो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमको कहां पर क्लोज मिला नीचे? यहां मिला रेड कैंडल में जी नहीं आउटसाइड कैंडल है। देखिए इन्होंने अच्छा समझा कि ये एक आउटसाइड कैंडल है, ऑल्दो वी गॉट अ क्लोज बिलो। नीचे विद्या जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो अब आप देखो यहाँ पर एक प्रायर कैंडल लो के नीचे हमको क्लोज मिला, we got a close below the prior low, okay, so we got a close below the prior low, we got a lower low and a close below the prior low, but did we get a close below the prior high? This high is above the prior candle high. तो यहाँ पर क्या है? This becomes an outside candle. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ से हमने trade लिया, यहाँ पर हमको एक मिला, लेकिन this is a outside candle. So we will not change our trend here. We'll continue to remain in the trade. And then we will see कि हमको यहाँ पर जाके मिल गया. Right? अब इसमें एक चीज आप लोग और देखोगे, यहाँ पर this was such a big gap down. राइट हमको यहाँ पर एक इतना बड़ा गैप डाउन मिला मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जब आप एक एज अ डाउ प्रैक्टिशनर आप डे चार्ट अब इसको आप कब इवैल्यूएट करोगे? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डे टाइम फ्रेम से अपने ट्रेड डिसीजन को ले रहे हो तो आप इसका तब तक वेट करोगे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है। कैंडल क्लोज होने का मतलब 3:30 बज गया मतलब अब आप आज कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो करेक्ट। एक बार ये 3:30 बज गया आप आज कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हो और आपने देखा कि यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, what you do is you take a trade decision कि आप exit करना है, इससे profit book करना है। Now as I said this is used by all major hedge funds and bigger players in the market because this is a very basic classic price action theory। आप देखो next दिन क्या होता है, price इतना बड़ा gap up के साथ खुलता है। Even though यहाँ पर बंद हुआ था but gap up कितना बड़ा हुआ यहाँ पर। If I see यहाँ पर price का closing was around 18,000 and next day the price opens at 18,300 levels के आसपास 275। तो अगर आपका trading decision यहाँ था आप यहाँ exit कर सकते हो। तो अगर हमने यहाँ से trade लिया और यहाँ से हम अपनी entry पकड़ते हैं 17,400
around 900 points ka humko run milta hai, and this is how many days actually that 11th was outside candle according to your definition, this one right, 25th 11th that gap down, you know, on 11th. Okay, this you think is outside candle 10th? Yeah, 10th. Yeah. See, outside candle, why do you think it is an outside candle? No, because it doesn't, even if you consider it as a bearish candle, you would enter, wait for the third candle, no? So, the third candle is again up. So, as per your Dow theory, you have to wait for three candles. So, you cannot exit on that. That's why I called it outside candle. First of all, you must understand, outside candle, what is an outside candle? Outside candle is only an outside candle. Suppose this is a, this was this candle. Okay. Now, outside candle will only be, become, it will become an outside candle when it comes like this. So what happens is the low is below the prior low. The closing is below the prior low, but the high is above the prior low. Now, in this case, you are satisfying all the three conditions. Am I clear? No, there is one more fourth condition you have given that you have I'll to come see to for that. The third candle. Yeah, I'll come to that. Yeah. Okay. Yeah. So first, see, three conditions are satisfied or not? Yeah. Now, once the three conditions are satisfied, this is a part where you confirm your trading decision. This is not the execution part. This is only the confirmation of your trading decision that you take. Am I clear? Yeah, yeah. Now, in the third candle, which I have told you, which is the fourth condition, that is only to be used for trade execution. Ah, that's what. Right? Third, right? You can't execute the trade. That's the point. Exactly. You are right. But if you practically see what is happening, right? When we are trying to sell something, jab bhi aap koi cheez ko sell karoge, you want the price to sustain here to get a confirmation to sell, right? Now, this is a price which is less than this. And if you have a trading decision, see, I'll again explain it to you in a very simple language. What is the price here? It is 18,028, right? Yes, right, sir. Okay, so the price was 18,028. What was the trading decision that you took? To short. Not to short, to exit from the position. You were in long. Yes, sir. So what was the trading decision? Trading decision was to exit the position? Yes, sir. You are ready to exit it at which price? Below low. So this is 17,963? Yeah. Now, if you are ready to sell it at 963 and if you get a price of 18,282, will you sell or not? Yeah, of course, we will sell, sir. Did you get my answer? Sir. There is a difference between taking a trade and exiting from a trade. Always remember. Did you understand this? You have entered a trade here. You have got a trading decision confirmation here. Next is your trading execution. And if you execute your trade, if you are ready to sell it here, and if you get a this price, will you sell or not? I will continue now. So you exit here and you get a much better price than you were actually anticipating as per your trading decision. Did you understand this? Yeah, yeah. It's very clear. Yeah. One more thing I'll tell you, Mr. Mickey. There is a segment of traders that we have amongst us jo ki sare din market nahi dekh sakte hain. They cannot give time and they cannot see the market whole day. Now, this particular strategy gives you the comfort of even trading with GTT orders. You can just see the market at 8 o'clock in the evening and see what happened. And you can put in a GTT order and it works fantastically. I'll just show you in brief how you can use that also. जी, मेरा एक डाउट था. हाँ बोलिए. आपका ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया, इसमें जो सेकंड ट्रेड में हमने डिसीजन लिया, फिर वी हैव टू एग्जिट सेकंड कैंडल के ऊपर हमने डिसीजन लिया, बट वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड कैंडल टू एग्जिट टू एग्जीक्यूट एक्चुअली. नाउ थर्ड कैंडल थैंकफुली हियर वाज अ गैप अप
it could have been further gap down, and I would have been further losses also. So what is stopping me from exiting at 325 on the same day when I'm seeing the candle has been formed? In 5 minutes, candle will not change. Second candle has given me a decision already. So let me exit without waiting for one more gap down. No. No. See, I'll tell you, most of the cases, if the trend is bad, then if, dekhe, hota kya hai, main aapko batau. Always remember this thing, jahan se humne start kiya tha. Market moves in this fashion. Right now, this is an impulse wave, right? This is a corrective wave. Very rarely we see that an impulse wave is followed by an impulse wave. Very rarely. And even if it has to go and form an impulse wave after this, it will first start with a corrective wave and then it will proceed to be an impulse wave. This is also proven by a fact that market is 70% of the time in a consolidation phase and only 30% of the time market trends. Now, if there is a big trend like this, you will very, very rarely, like once in 100 or many thousand maybe, you will see that an impulse wave is followed by another impulse wave with the same magnitude and that also instantly. It happens. An impulse is followed by an impulse wave, but what happens is, after an impulse wave, first a corrective wave starts. After this corrective wave goes on for some time, and then this becomes an impulse wave. Do you understand? So, yeah. Abhi kya hua yahan par? You see, there was a 1,000-point trend here. After that, even if this happens, you will very rarely see ki aapko yahan par bahut bada gap down milega. Aur agar milta bhi hai, aap isko dekho na, yahan par aapko 10-12 din mein 1,000-point ka rally mila Nifty. मिला ना यस यहां से 500 पॉइंट जाएगा जाने दीजिए रूल ब्रेक मत करिए बट विनी जी मेरा एक ही पॉइंट है कि रूल में एडवांटेज क्या है मेरे को जब मुझे थर्ड कैंडल पे एग्जिट लेना ही है तो फिर मैं वेट किसका कर रहा हूं मैं व्हाई शुड आई वेट फॉर थर्ड कैंडल एट ऑल क्योंकि मेरा माइंड तो क्लियर एग्जिट लेना है चाहे कुछ भी हो जाए थर्ड कैंडल में अगर ये ऑप्शन है कि एग्जिट नहीं भी लेना हो सकता तब तो ठीक है बट अगर एग्जिट लेना मेरा आपको श्योर है कि एग्जिट लेना ही है फिर मैं वेट क्यों कर रहा हूं आप वेट इसलिए कर रहे हो बिकॉज देखिए दो चीजें हैं कि आपको एंट्री में भी वेट करना है और एग्जिट में भी वेट करना है बिकॉज आप देखोगे ये आपको फॉल्स एंट्री और एग्जिट से बचाएगा स्पेशली इन केस ऑफ एंट्री मैंने आप लोग को अभी एक छोटा सा चीज पहले भी बोला था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग अ ट्रेड एंड एग्जिटिंग फ्रॉम अ ट्रेड नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर टेकिंग अ ट्रेड यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम अ ट्रेड ये यहां पर जो आपने ट्रेड डिसीजन लिया दिस वॉज अ एग्जिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड राइट राइट सर अभी यहां पर आपको इसके साथ एक और ट्रेडिंग डिसीजन भी तो मिल रहा है दैट इज टू गो शॉर्ट करेक्ट मिल रहा है अगर आप यहां पर अपने लॉजिक से जो अभी आप बता रहे हो आप यहां शॉर्ट करते तो आप अगले दिन ही आपका स्टॉप लॉस हो जाता आई अंडरस्टूड सर तो मेरा थॉट ये है कि अगर हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो हमें थर्ड कैंडल को वेट करना चाहिए बट अगर एग्जिट करना है तो सेकंड कैंडल के लास्ट में एग्जिट कर सकते हैं बाय एंड ऑफ द डे देखिए आप कर सकते हो बिकॉज आई विल टेल यू कि मैं इसको फॉलो इस तरह से करता हूं एज आई स्टार्टेड विद माय प्रेजेंटेशन कि दिस इज माय इंटरप्रिटेशन यू कैन ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू योर वो जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है दिस इज हाउ आई हैव बीन यूजिंग एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट इसका एक और रीजन बताता हूँ देखिए जब भी इतना बड़ा ऐसे आता है ना आफ्टर अ इम्पल्स वेव एक करेक्टिव वेव अगर बन भी रहा है विद अ गैप डाउन मूव ये आपको हमेशा एक रिट्रेसमेंट का मौका देता है अगर ये कैंडल इतना ऊपर नहीं भी बनता ना इट ऑलवेज हैपेंस कि एक रिट्रेसमेंट आपको मिलता है आपने सुना होगा कि अगर आप कोई भी स्टॉक में फंस गए हो और वो स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है नेवर सेल अ स्टॉक हियर इट विल ऑलवेज गिव यू अ चांस टू रिट्रेस एंड इट विल गिव यू एन एग्जिट करेक्ट सर बट इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि इस बार तो हमें बहुत गैप डाउन मिला था इसलिए एक रिवर्स एक्शन मिल गया हमें हमें हम सेव हो गए बट अगर इतना स्ट्रांग गैप डाउन नहीं मिलता But right. still the candle would have shown us that decision is to exit now. वो थोड़ा सा भी नीचे आता फिर भी हमें मिलता. Next day ज़्यादा बड़ा gap down हो सकता था, ज़्यादा loss हो सकता था. तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमें exit करना है, तो day के end में second candle के base पे decision बना के exit कर लो उसको. Third day के लिए wait मत करो, because trend can be further little downwards also. It has started downward trend. होने दीजिए ना. होने दीजिए. मेरा जो experience है, देखिए after a 1,000-point move. आपका यहाँ 100 पॉइंट नीचे भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो जो मैंने देखा है तो ये आपको बहुत जगह फॉल्स एग्जिट से बचा लेगा
बेटर एग्जिट देगा। जनरली क्या होता है, जो मैंने देखा है, करेक्टिव मूव जब आती है तो प्राइस आपको मौका देता है। अगर वो नीचे भी खुलेगा, गैप भरेगा, अगर वो या तो पैरेलली खुल जाता है फिर गिरता है, तो यू गेट अ अपॉर्चुनिटी, आपको यहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। विकास जी, सर विकास जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं विकास जी से बोल रहा था, हाँ मैं विकास ही बोल रहा था। सॉरी सॉरी विनीत जी, विनीत जी, आपने बोल ये जैसे हम लोगों को डे ट्रेडिंग वाला बताया है, वो बताया है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमने डिसीजन लिया एंड देन वी आर ट्रेडिंग इन डेली टाइम फ्रेम, करेक्ट? ओके, तो इसको भी अगर आप देखेंगे मेंटली आई कैन सी कि इसने 5 डे लो को नहीं तोड़ा है, करेक्ट? तो इसका मतलब जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम वाला डिसीजन है अभी भी इंटैक्ट है। आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, करेक्ट? मैं अभी आऊंगा वैसे उस पे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इसके बाद। डिसीजन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो तब ये सेकंड वाला जो विकास जी बोल रहे हैं वो डिसीजन ठीक है कि इंट्राडे में आप डेली टाइम फ्रेम देख के कर रहे हैं और 15 मिनट वाले चार्ट पे कर रहे हैं तब तो विकास जी का डिसीजन सही है, बट अगर आप वीकली चार्ट लेके डेली टाइम फ्रेम वाला देख रहे हैं तो इसमें भी डिसीजन लेने के लिए तो आपको डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी हम आएंगे उस पे, इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे इसमें, और कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ जब हम डाउ पैटर्न को यूज करते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी है, उसका जो मतलब जो आप राइड कर पाओगे ट्रेंड को ना, उसकी कन्विक्शन बहुत हाई हो जाएगी आपकी। तो वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जैसे कि अभी तिवारी जी ने एकदम सही समझा इस चीज को, सर एलियट वेव भी यही चीज है, एलियट वेव इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है, इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है, और उसके साथ फिबोनाची उसमें ऐड हो जाता है तो उसको वो और क्लियर कर देता है, और जो 420 का सिद्धांत है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है। विनीत सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, 13 अक्टूबर का जो कैंडल के बाद सेकंड 14 अक्टूबर की कैंडल है उसमें 17 उसके बाद 17 अक्टूबर में आपने एंट्री बताई है, तो इसमें तो ये जो है ना तो उसके हाई के ऊपर से स्टार्ट हुआ ना उसके नीचे, तो यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहे हैं हम थर्ड वाली कैंडल पे? मैंने 17400 का लेवल बोला था, आप याद करो, मैंने तो यहाँ बोला भी नहीं आपको, मैंने याद ही बोला ना बस, ठीक है सर, मैं ये मिस कर गया था, ठीक है सर, 900 पॉइंट्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि 17400 से 18300, ठीक है सर, कंटिन्यू सर। तो दिस इज द बेसिक थिंग, आपने देखा कि कैसे ये डे टाइम फ्रेम में हमको राइड कराता है। अब एक और एग्जांपल आप करंट मार्केट का देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी सेम चीज, ये रेड कैंडल, अगेन वी गॉट अ डाउ कंफर्मेशन, एंड आप देखो कितना अच्छा ये ट्रेंड चला, एंड लास्ट डे पे अभी ये यहाँ पर ट्रेंड वापस चेंज हुआ। दिस इज द करंट मार्केट जो अभी लास्ट दिन अभी हमारा चल रहा है। सर उसको दो कैंडल पीछे देखिए, वो तो शॉर्ट का सेटअप है ना? बिल्कुल है, ये वाला ना, हाँ। अब आप देखो ये वाले लो के नीचे यहाँ पर प्राइस, नहीं नहीं, उसका भी एक पीछे यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ट्रेड, ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला। आप डेट बताइए, डेट बताइए, हाँ डेट बताइए, डेट मुझे दिख नहीं रहा। ओके मैं मार्क करता हूँ, ये वाला कैंडल, हाँ Yes. सर 16 और 17 नवंबर, 16 और 17 नवंबर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिलता है, अब यहाँ पर हमको ट्रेड मिलता है, मार्केट साइडवाइज एक्शन में है, यहाँ पर यहाँ तक का हमको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है, आप देख रहे हो, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट पे ट्रेड मिला और प्राइस ऊपर खुला, यहाँ पर नीचे, यहीं पर आप कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे अपना, करेक्ट? yes. है, अब आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे कौन से टाइम फ्रेम से? आप आवर्ली से करोगे। ट्रेंड क्या है हमारा यहाँ पर? बुलिश ट्रेंड, एक इंपल्स वेव चल रही थी बुलिश ट्रेंड की, तो अगर हमको यहाँ पर अगेंस्ट द ट्रेंड मिलेगा तो ये क्या है? दिस इज अ करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए इसमें कई सारी चीजें मैं आ जा रही है, एक तो हो गया इम्पल्स वेव, एक करेक्टिव वेव। अब करेक्टिव वेव को ट्रेड कैसे करते हैं? करेक्टिव वेव को ट्रेड करने का तरीका होता है, वी टेक वेरी स्मॉल ट्रेड्स एंड वी एग्जिट वेरी क्विकली, बिकॉज करेक्टिव वेव इज अ वेरी स्लो मूविंग पैटर्न जिसमें बहुत सारे विप्सॉज आएंगे, करेक्ट? ट्रेंडिंग फेज क्या होता है? एक के ऊपर एक फटाफट मार्केट भागता है, लेकिन करेक्टिव वेव ऐसे होता है। तो हाउ डू वी ट्रेड करेक्टिव वेव? वी ट्रेडेड इन अ वेरी स्मॉल, वी ट्रेडेड फॉर स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स। तो
तो यहाँ पर आप देखोगे आपने को यहाँ एंट्री मिली, आपने यहाँ आवरली से लिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर आवरली चार्ट पे हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट भी दे दिया होगा उसने, बिना एग्जिट दिए प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। आप देखना चाहोगे, शुड वी गो टू इट? नहीं विनीत सर, जब जब हम लॉन्ग ट्रेंड में इंपल्स वेव ट्रेड कर सकते हैं तो व्हाई शुड वी टेक रिस्क विद अ करेक्टिव वेव? वहां तो हम अपना ट्रेड डिसीजन एग्जिट का लेकर के फिर हम वेट करेंगे फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव गॉट दिस राइट कि हम वहां पर वेट करेंगे। बट देखिए बहुत सारे लोगों को होता है दे वांट टू पार्टिसिपेट एवरीवेयर, या फिर कोई हो सकते हैं जिनको स्विंग ट्रेड करना है या इंट्राडे ट्रेड करना है, सो व्हेन दे आर डूइंग दैट तो वो करेक्टिव वेव में भी ट्रेड करते हैं। सो उसके लिए भी मैं बोलना चाह रहा हूँ दिस पर्टिकुलर सेटअप वेरी सिंपल क्लासिक प्राइस एक्शन सेटअप, ये हर जगह फिट इन होता है। अगर आप एक ट्रेंड को राइड करना चाहते हो यू कैन यूज इट इन वीकली डेली मंथली को कंबाइन करके, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो आप डेली वीकली आवरली को यूज कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो आप डेली आवरली 15 मिनट्स को यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको ये अच्छा देगा। अभी हम देखेंगे उसको, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। नवंबर मंथ जो था वो स्टार्ट हुआ हमारा, जब नवंबर मंथ हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारा मंथली टाइम फ्रेम में, अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज को देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक रिटेल ट्रेडर्स की क्या होती है, ट्रेंड को ही नहीं पहचान पाते हैं कि ट्रेंड क्या है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ट्रेंड को देखना ये तो और भी लेवल के बाहर की बात हो गई, क्योंकि अपने इंट्राडे ट्रेंड नहीं समझ रहे हैं अभी, मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे समझें कि भाई मंथली में क्या ट्रेंड है, वीकली में क्या है, आवरली में क्या है, डेली में क्या है। लेकिन अब आप देखोगे इट हार्डली टेक्स 2 to 5 minutes किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को आपको समझने के लिए। अभी हम निफ्टी के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड नेगेटिव था, ये ट्रेंड नेगेटिव कंटिन्यू हो रहा था, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव चेंज हुआ। नाउ दिस इज एन आउटसाइड कैंडल, सो यहाँ पर although I got a closing below the prior low, I'll not consider the trend to be changed. यहाँ पर अगेन द ट्रेंड इज ऑन द अप, मतलब ये ट्रेंड यहाँ पर जो अप हुआ था ये अप ही चल रहा है एंड द ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड, सो आई कैन मार्क कि मंथली में जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। वीकली में आते हैं, वीकली में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड था, यहाँ पर जो ट्रेंड पॉजिटिव में चेंज हुआ वो पॉजिटिव ही चल रहा है। आई हैव नॉट रिसीव अभी तक एक भी हमको लो बिलो द लो, हाई बिलो द हाई एंड क्लोज बिलो द प्रायर लो नहीं मिला है, तो आई कैन कंसिडर कि यहाँ पर भी एक हमारा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। अब हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे सिंस द बिगनिंग ऑफ नवंबर बहुत सारे मिक्स ट्रेंड्स आए, कभी वो बुलिश आ रहा है कभी बेरिश आ रहा है। जब भी इस तरह का ट्रेंड आएगा और अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम आएगा तो आप देखोगे मार्केट एक साइडवेज एक्शन में चला जाएगा। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज अ करेक्टिव फेज ऑफ द मार्केट जहां पर मार्केट साइडवेज एक्शन में चला जाता है। नाउ द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप इज कि आपको ये एक करेक्टिव वेव का भी इंडिकेशन दे देता है। तो अब जैसे हमारे कोठारी जी जैसे स्ट्रैडल प्लेयर हैं, ही लाइक स्ट्रैडल, तो अब उनको दिख रहा है कि मंथली वीकली टाइम फ्रेम में तो है लेकिन सिंक नहीं है डेली टाइम फ्रेम से, या मंथली और वीकली में सिंक नहीं है, तो ही कैन वहीं पर वो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अरे बॉस ये तो अभी साइडवेज एक्शन में है, सो दिस इज अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर स्ट्रैडल जब तक वो अपना ट्रेंड चेंज करके डिटरमाइन नहीं करता है। सो व्हाट वी सी हियर इज इन द मंथ ऑफ नवंबर यहाँ पर कई बार ऊपर नीचे हुआ, बट ये डेट पे 22nd एंड 23rd पे ऑल्दो दिस वाज अ रेड कैंडल वी गॉट अ क्लोज अबव द हाई विद अ हायर हाई हायर लो। जैसे ही ये बना आप देखो यहाँ से कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया, ये रेड कैंडल था नेक्स्ट डे ही इतना बड़ा मोमेंटम आया एंड उसके बाद दिस कंटिन्यूड और यहाँ पर मार्केट 200 से लेकर 18,800-900 तक चला गया इन अ स्पैन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 days। 5-6 days में मार्केट ने इतना बड़ा यहाँ जंप लिया जस्ट बिकॉज हमारा जो डे टाइम फ्रेम था वो इन सिंक विद आ गया मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम के विद ऑल दी कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके ऊपर सब हुआ एंड यहाँ पर भी ऊपर हमको एंट्री मिला एंड यहाँ से पूरा ट्रेंड चला। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ कंक्लूजन कि हमारा अभी हमने क्या देखा कि मंथली में इट इज अ बुलिश ट्रेंड, इन वीकली इट इज अ बुलिश ट्रेंड, बट डेली में अभी क्या है यहाँ पर, डेली में द ट्रेंड सीम्स टू बी चेंजिंग, नॉट सीम्स टू बी चेंजिंग, इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड, वी हैव गॉट अ लोअर लो लोअर हाई एंड अ क्लोज बिलो द लो, राइट? सर एक इसमें विनीत जी इसमें कंफर्मेशन मिल गया मुझे, जो 2nd December की कैंडल है
कि ट्रेड डिसीजन की कंफर्मेशन मिल गई है बेसिकली. करेक्ट. लेकिन अब यहाँ पर आप मेरे को बताओ कौन सा ट्रेड डिसीजन. विल यू गो फॉर एन इम्पल्स वेव ट्रेड डिसीजन फॉर अ हायर ट्रेंड और विल यू गो फॉर अ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड काइंड ऑफ. यहाँ पे शॉर्ट में मिलेगा क्योंकि अभी ये ट्रेंड जो है ये आपका हायर टाइम फ्रेम के ऑपोजिट में जा रहा है तो ये शॉर्ट ट्रेंड्स मिलेंगे इसमें. करेक्ट. सो दैट मींस कि वी आर एंटीसिपेटिंग अ करेक्टिव वेव. यानी कि कोठारी जी जैसे जो स्ट्रैडल प्लेयर्स हैं उनके लिए ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं द हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का सिंक नहीं है. राइट. तो थोड़ा सा वापस से उस तरह से मार्केट मूव कर सकता है बट ये कब तक इसको भी समझना जरूरी है. उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे. ये हमारा वीक बंद हुआ फ्राइडे को. इस वीक का लो को मार्क करेंगे. दिस इज व्हाट 18365 काइंड ऑफ लेवल एग्जैक्टली ले लेते हैं. या 18365. नाउ राइट नाउ वी आर एट व्हाट 18696. तो यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट नाउ इन द कमिंग वीक 18365. बिकॉज अगर इस वीक में इस कैंडल का हाई नहीं निकला और किसी वजह से प्राइस इसके नीचे आके क्लोज हो गया, वी कैन से दैट द वीकली टाइम फ्रेम हैज आल्सो चेंज्ड. यस. जो करेक्टिव वेव है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा. करेक्ट. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अ कंक्लूजन कि मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा ये लो है दिस इज 17900 अनदर 400 पॉइंट्स डाउन ओनली. 18000 के इंडेक्स में 400 इज नथिंग टू 2% 2% Now this becomes very very important for us. अगर इसके नीचे गया then can I say कि daily time frame में अगर sell है an impulse wave can start? Yes, short trade का confirmation आ जाएगा. And with for an impulse wave that is I'll go with the conviction trade here. Now try to relate these things. This is multi time frame analysis along with Dow theory that we are discussing. आपको ये समझ में आएगा आपको किस समय कौन सा trade लेना है. आपको किस समय कितने कन्विक्शन से ट्रेड लेना है कितना बड़ा राइड करना है उस ट्रेड को. अगेन कमिंग बैक टू द डे टाइम फ्रेम अगर ये जो हाई है नाउ व्हाट इज द हाई हियर 18782 अगर कल मंडे को 782 के ऊपर निकल के क्लोज होता है एंड हाई इसका प्रोटेक्ट हो जाता है कैन आई से दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ विप्सॉ इवेंट काइंड ऑफ अ थिंग एंड अगेन द ट्रेंड इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स अप and it is in sync with the bigger time frame. Yes, right? Yes, yes. Right. उसकी conviction और उसका मतलब हमारा जो उसका conviction होगा trade, conviction trade कहाँ आएगा? कौन बताएगा? इसका Tuesday को आएगा sir. Tuesday को आएगा sir. नहीं नहीं वो नहीं. कौन से level पे आएगा? 72 के ऊपर जब close हो जाएगा तो हमारा एक conviction trade. Yes. क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे वीकली टाइम फ्रेम के हाई के ऊपर निकल जाएगा सो इट विल अगेन कंटिन्यू द बुलिश ट्रेंड हियर. तो इससे क्या है अगर हमारा इसके ऊपर निकलता है देन हम यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखेंगे लेकिन इसके ऊपर अगर चला गया विल बी सुपर बुलिश एंड विल से तीनों टाइम फ्रेम प्रॉपर सिंक में है एंड विल गो अप. अगर इसके नीचे आता है विल वेट फॉर द वीकली लोज टू बी टेकन ओवर. एक बार वो निकल जाते हैं विल अगेन तो आप देखोगे करेक्टिव मूव जो अभी है उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. लेकिन एक बार मंथली 400 पॉइंट और टूटा ना ऑल्दो दिसंबर मंथ बंद नहीं हुआ है फिर भी आप देखोगे उस डाउनवर्ड मूव की स्पीड और फास्ट हो जाएगी. एंड इफ दिसंबर क्लोजेस बिलो द लो ऑफ नवंबर विदाउट टेकिंग द हाईज ऑफ दिसंबर क्योंकि ऑलरेडी हो गया सो इट विल बी एन आउटसाइड कैंडल एनीवेज बट अगर वो आता है तो आप देखोगे एक बार मूवमेंट आएगा. उसके बाद डेली को सिंक में देखने में कितना टाइम लगा नथिंग. तो कितनी जल्दी आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि बॉस ये ट्रेंड है अभी ट्रेंड के हिसाब से क्या होगा आई विल टेक माय ट्रेडिंग डिसीजन बन गया नाउ आई विल गो फॉर एग्जीक्यूशन और दिस विल हेल्प टू हैव अ गुड पोजीशन साइजिंग. यस ऑब्वियसली राइट इवन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन
सर एक दो बार जो मैंने पहले भी बोला था, जो मेरे से लोग बोलते हैं तो वही चीज है कि आपका इक्विटी में 1:1 का है प्रॉफिट लॉस, फ्यूचर में 1:5 से लेके 1:7-8 का है, और ऑप्शंस में 1:13-14 से लेके 1:30 का है। तो अगर आपने गलत जगह पे ऑप्शन खरीद लिया तो आपको बहुत नुकसान है, गलत जगह पे ऑप्शन बेच दिया तो बहुत नुकसान है, बिकॉज उसमें थीटा डीके भी चला जाएगा, और फ्यूचर है तो उसमें थीटा डीके तो नहीं है, लेकिन अगर आप इंपल्स वे में रॉन्ग साइड में फंस गए तो भी आपको बहुत नुकसान है। तो इसी से इक्विटी में आप मंथली और वीकली, क्योंकि वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे तो वहां पे आप मंथली टाइम फ्रेम अगर देख रहे हैं तो आप इक्विटी में जाइए। और थोड़ा सा जो मैं जो सबेर भी मेरे से पूछ रहे थे कि इक्विटी थोड़ी ली और अपनी पोजिशन साइजिंग करके आपने एफ एंड ओ ले लिया, उससे जितना मिल गया थैंक यू, क्योंकि फिर उसके बाद एक लेवल के बाद स्टॉप लॉसेस आपके बहुत बड़े हो जाएंगे। ओके तो देखिए बहुत अच्छा है, आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, आप उसको फॉलो करते हैं, बट इसमें मेरा माय टू सेंस आर दैट आपका जो हेज डिजाइनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड सेटअप। सी आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 18 इयर्स एंड मैंने कई सारे इवेंट्स देखे, आई स्टार्टेड इन 2004 अंटिल 2008 इट वाज अ मदर ऑफ ऑल बुल रन, 1500 का निफ्टी 6000 के आसपास 4 टाइम्स हो गया था 4 इयर्स में। And then 2008 gave us a very big lesson कि कैसे अपने profits को handle करना है and trade को position size को handle करना है। Until 2013 it was a very lag kind of a phase जिसमें हमको hedge के बारे में उस समय नहीं पता था and जहाँ भी आप कुछ भी ले लो stop loss trigger होता था। That 4-5 years were such. After that BJP came and then most of the these markets again started coming up and बहुत अच्छा phase रहा। But then again this COVID phase came. So, यहाँ पर एक ही चीज जो मैंने ये बताया इसके पीछे कारण ये है कि हेज इज द ओनली वे इन विच यू कैन गो अहेड। बाकी आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आप इक्विटी लेके करते हो, फ्यूचर लेते हो, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, इट्स ऑल वेरी गुड, बट व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम दिस एंटायर जर्नी ऑफ माइन इज दैट इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस योर बिजनेस, इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड विथ वेरी हाई कन्विक्शन। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब आप ट्रेड लेते हो ना ये दिखाने में बहुत ईजी है, लेकिन ये जब ओपन हाई बना के इस तरह से गिरता है, ये जब इस तरह के मूवमेंट आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको निकाल देगा, आपको स्टॉप लॉस करा देगा, ये आउटसाइड ये प्रीवियस लो के नीचे जब बंद हो जाएगा तो आपको ये निकाल देगा मार्केट से। यहाँ पर आपको हेल्प करता है आपका हेज, आपका जो ट्रेड सेटअप है वो आपने क्या लिया है। एक इम्पल्स वेव का हेज अलग होता है, एक करेक्टिव वेव का हेज अलग होता है। आपका अगर स्टॉप लॉस छोटा होता है तो वहां पर आप एग्रेसिव हेज बनाते हो, स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो वहां पर आप एक कंजर्वेटिव हेज बनाते हो। मैं इसका आप लोग को एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि यहां पर एक ये कैंडल बनी, यहां पर एक ये कैंडल बनी, देयर इज अनदर सिनेरियो जहां पर ये एक कैंडल बनी और यहां पर एक ये कैंडल बनी। नाउ हियर व्हेन आई एम टेकिंग अ ट्रेड हियर आई नो बॉस मेरा इसके नीचे 20 पॉइंट यहाँ स्टॉप लॉस है, सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। जब मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं मेरा पता है यहां स्टॉप लॉस है, नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो क्या ये दोनों ट्रेड सेटअप में मेरा हेज एक ही होगा? आंसर इज नो। यहां पर आई हैव टू गो विद अ कंजर्वेटिव हेज, यहां पर आई हैव टू गो विद एन एग्रेसिव हेज, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप यहां पर ये एक इंपल्स वेव है या करेक्टिव वेव है। फॉर एन इंपल्स वेव अ हेज डिजाइन इज डिफरेंट, फॉर एन करेक्टिव वेव अ हेज डिजाइन इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ इसमें क्या होता है जो मैं देखता हूं, एक चीज को समझने की कोशिश करिए, हम आयरन कॉन्डोर देखते हैं, हम बटरफ्लाई देखते हैं, किसी ना किसी ने तो इसको बनाया था ना कभी, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपने हेज को बनाने की कोशिश करिए। जिस दिन आप उसको बनाओगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे उसमें आपको बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मिलेगी। जब हम कॉपी करते हैं ना कोई चीज को तो वहीं हम मारे जाते हैं। तो हेज को समझना जरूरी है, हेज को समझ के आप अपने हेजिंग को बनाइए। जैसे मैंने अपना ये डिजाइन किया है कि कब मेरे को कंजर्वेटिव हेज बनाना है, कब एग्रेसिव हेज बनाना है, इसमें बहुत सारे हेजेस हैं। अब इसमें इंपल्स वेव है तो कौन सा हेज बनाना है, इसमें जब करेक्टिव वेव है तो कौन सा इसमें से यूज करना है इन दोनों में से, और अगर इसमें से यूज करना है तो कौन सा है, इसमें से यूज करना है तो कौन सा है। तो दिस इज हाउ, बिकॉज जब तक आपका देखिए होता क्या, ट्रेडिंग डिसीजन सही हो गया लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो गया, तो आप देखोगे मूव तो आया लेकिन उतना प्रॉफिट ही नहीं मिला। बहुत बार होता होगा आप लोग के साथ, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज आपकी जो हेज डिजाइनिंग थी वो ठीक नहीं। मैं देखता हूँ लोग स्प्रेड बनाते हैं, सिंपल स्प्रेड, उनको स्ट्राइक सिलेक्शन ही नहीं आता,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको हेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हेज के बारे में अगर आपको पता हो आप अपने हेज डिजाइन कर सकते हो, और हमारे मेंबर्स जो है वो काफी अच्छा कर भी रहे हैं, काफी सारे हेजेस हमने बनाए हैं और काफी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, आगे भी होगा और भी हम लोग करेंगे इसमें। तो चलिए अभी हमने इसको देखा, अब हम इसको इंट्राडे प्रैक्टिकलिटी पे देखते हैं। चले इंट्राडे पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, चलो 15 मिनट्स पे चल के देखते हैं, बहुत लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट होता है। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, यहाँ मार्केट खुला, करेक्ट है। नाउ सी दीज टू कैंडल्स, द फर्स्ट टू कैंडल्स अंटिल 9:45, क्या हमको यहाँ पर कोई ट्रेडिंग डिसीजन मिल रहा है? एनीबॉडी? यस, सेल का मिल रहा है सर। मिल रहा है, क्या हमको यहाँ पर ट्रेड एंट्री मिल रही है? मिल रही है। ओके, सो शुड वी मार्क द लेवल, सपोज हमको यहाँ पर ट्रेड एंट्री मिली, तो व्हाट इज द लेवल? 18,712, राइट? यस सर। नाउ लेट्स सी इसका एग्जिट क्या होगा, प्रीवियस हाई के ऊपर होगा, प्रीवियस हाई के ऊपर एग्जिट होगा ना? यस सर। कहाँ मिल रहा है प्रीवियस हाई? यहाँ मिला, यहाँ पर एग्जिट हुआ। यस, व्हाट इज द लेवल? 60 पॉइंट्स, दो घंटे में मिला ना। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, डाउ सेटअप में वन वेरी वेरी बिग एडवांटेज इज यू डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट इन योर ट्रेड। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर हेजी डिजाइन नहीं होता, तो एडजस्टमेंट जब लॉस दिखता है ना स्क्रीन पे, तो वो ऐसे ही आधी चीजें समझ में नहीं आती। तो उस समय अगर कोई बोले आप एडजस्ट करो, तो क्या एडजस्ट करो, वो लगता है किसी तरह अब वापस नीचे जाएगा, वापस नीचे जाएगा, वो होने लगा। तो डाउ सेटअप में आपको एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपको एंट्री देगा, अगर एंट्री देगा ट्रेंड है आप पूरा राइड करोगे, अगर ट्रेंड नहीं है आपको एग्जिट करा देगा, नो प्रॉब्लम, या आपको एंट्री ही नहीं देगा। ऐसा भी होगा कि आपको एंट्री नहीं देगा, आप देखो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये दो कैंडल्स को आप लोग देखो, यहां पर हमको एक ट्रेडिंग डिसीजन मिल रहा है, क्या ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है, आपको फॉल्स एंट्री से बचा देता है ये। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, प्राइस को ऊपर नहीं जाना है, आपको एंट्री नहीं देगा, आप समझ रहे हो? बट अगेन आई विल रिपीट, इट इज नॉट अ होली ग्रेल, मिसेज होते हैं, बट द ओनली बेनिफिट इन दिस इज कि जो मिसेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब एज अ नॉर्मल बिजनेस आपको वो छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस में निकलता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो जिस समय ट्रेंड होगा आपको पूरा ट्रेंड राइड करा देगा। और एक चीज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतना बड़ा ट्रेंड आपको यूज करने को मिलेगा। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंट्राडे में हमने देखा होगा देयर इज अ थिंग कॉल्ड वीवैप। नाउ व्हाट इज वीवैप? VWAP is nothing but the average price of the day along with the volume, right? तो अब ये VWAP जो होता है, what does it signify? ये तो हो गई थ्योरी जो हम लोग को पता है कि प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है तो VWAP भी हमारा जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन ये तो हो गई थ्योरी का पार्ट, अभी इसको यूज कैसे करना है और ये क्या इम्प्लाई करता है? तो दिस इज अ थिंग दैट आई हैव डेवलप्ड, जो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूं, सो आई विल शो यू। चलिए पहले 2 दिसंबर का देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ निफ्टी ओआई डेटा, दिस इज अ लाइव डेटा दैट वी यूज ड्यूरिंग लाइव मार्केट। नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा में होता क्या है, एवरी 5 मिनट्स वी आर गेटिंग दिस डेटा बेस्ड ऑन सर्टन आवर फॉर्मूलाज, जिसमें हमको चेंज इन कॉल ओ आई एंड चेंज इन पुट ओ आई को हम रिकॉर्ड करते हैं। चेंज इन कॉल ओ आई एंड पुट ओ आई को रिकॉर्ड करके हम ये डेटा डिराइव करते हैं।
Now what happens is each and every strike का जो OI होता है और change in OI होता है, ये data सबको मिलता है, NAC के website पे भी मिलता है, लेकिन होता क्या है कि sensible पे भी मिलता है, Opstra पे मिलेगा, but होता क्या है वो data change होता रहता है। यहाँ पर क्या है कि हम उस data को record करते हैं और record करके उससे हम ये derived data निकालते हैं which we call as the PCR data। Now PCR data में हम ये देखते हैं कि PCR data क्या बोल रहा है। We always see options from the seller's point of view. तो अगर PCR data में call में हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब call writing, because sellers के point of view से देख रहे हैं। So आप देखोगे कि second को हमारा जो data था वो morning से ही cell में था। You can see this. Now here आप देखो यहाँ पर 233 पे क्या हुआ, एक हमको buy का signal दे, right? तो this is a time, अच्छा यहाँ पर आप एक और चीज देखोगे, this is VWAP and this is the future price that we record, because ये जो VWAP होता है, this is the average price at which the sellers are selling and the buyers are buying. इसका मतलब जो ये यहाँ पर PCR का सेल डेटा हमको मिल रहा है, उनकी एवरेज प्राइस यहाँ चल रही है, इसका मतलब उनकी गर्दन वहां पर है, जो स्ट्रॉन्गर हैंड है, जो राइट कर रहा है एक एक लॉट पे, जिसपे इतना मार्जिन लगता है और अनलिमिटेड रिस्क उनका खड़ा है, उनका जो एवरेज प्राइस है वो ये है। अभी वो एवरेज प्राइस पे एवरेजिंग कर रहे हैं, अभी वो एवरेज प्राइस से दूर हैं तो मीन रिवर्जन होगा, और अगर वो एवरेज प्राइस पे आता है देन दिस इज योर बेस्ट एंट्री पॉइंट। अभी इस एंट्री पॉइंट पे हम चल के देखते हैं 233, एंड दिस इज सेकेंड का ही है, तो विल गो टू द फ्यूचर्स चार्ट फॉर दिस। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पर, सो द टाइम वाज व्हाट 233, राइट? आप देखो यहाँ 230 पे ये ऊपर निकला था। अच्छा चलो इसको 5 मिनट्स पे करके देखते हैं, और इजी हो जाएगा। यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऊपर निकला, एंड यहाँ पर क्या हमको डाउ कंफर्मेशन मिल रहा है, हमको यहाँ पर डाउ कंफर्मेशन मिल रहा है, दिस इज आवर स्टेशन After a trend, this may be a continuation of a trend, although it is at the end of the day. But क्या हमको ये trade मिलता है यहाँ पर? So this is how you can work with VWAP, because आपको ये समझना है कि VWAP is nothing but the average position place pricing of the operator as well as the retail trader. Market में दो ही जन हैं जो एक दूसरे के against fight करते हैं. One is the operator or the punters or the FIIs, or the stronger hands, whatever you may call. And the other end is the retailers. Now, dono chahte hain ki ek dusre ka paisa hum kisi tarah se apne paas aa jaye. So, uske liye kya hota hai? This fight goes on. Ek taraf se option buying hoti hai, ek taraf se selling hoti hai. Most of the time you will see ki jo writers hote hain, they win because they are putting in lot of money. They have a very strong research behind it. And wo us hisab se usko use karte hain. एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, दिस टाइम आई विल यूज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, अभी तक हमने ये यूज नहीं किया है। नाउ दिस इज 30th नवंबर का हमारी शीट है, तो यू विल सी कि यहां पर सुबह से डेटा पॉजिटिव चल रहा था हमारा, दिस इज 10 o'clock एंड इट वाज पॉजिटिव। नाउ यहां पर क्या था, द प्राइस वाज बिलो VWAP, नाउ द प्राइस इज बिलो VWAP, एंड जो हमारा PCR डेटा है वो सेल में चल रहा है। यू सी दिस, तो इसको भी आप पहले इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसका स्ट्रेंथ कैसा है, तो PCR डेटा का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली जो PCR डेटा की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में जो है ये करेक्टिव मूव है या इम्पल्स मूव है। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे मार्केट में यहाँ पर से आई विल पुट 5 मिनट्स शॉर्ट, यहाँ पर ये एक इस तरह का डेटा है एंड इस तरह का फॉल आ रहा है, एंड आर डेटा वॉज सेइंग कि इट इज इन सेल। Now when the data is in sell and we are getting a move which is also on the downside, then I can say this is an impulse move for the market. तो आप देखोगे ये एक straight way में price गिरता है, and then यहाँ पर जब ऊपर जाता है तो रुक रुक के जाता है। So what happens is you can participate again from here, because this is the VWAP where जहाँ पर operator की positions average हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर जाएगा तो simple language में बोलूँ तो उसका M2M loss आना start हो जाएगा, जो उसका आज का इंट्राडे का पोजीशन है उसमें M2M लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
इसीलिए आप देखोगे कि ये जो वी वैप होता है या 20 SMA होता है, इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन रिवर्जन पॉइंट, जहां से प्राइस में फिर से रिएक्शन आता है, बिकॉज दैट इज द प्लेस जहां पर उसकी उस दिन की पोजीशन का एवरेज है, उसके ऊपर उसका एम टू एम आना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पोजीशन साइज भी बहुत बड़ी होती है. तो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इट. वहां पर जब इस पोजीशन पे जाके हमको कोई डाउ सिग्नल मिलता है, यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज. और ये आपको कई बार मिलेंगे, कई दिन पे मिलेंगे, और जब भी आपको ये मिले आप इनको यूज कर सकते हो. जैसे ये हमारा फ्यूचर्स का चार्ट है, इसमें आप देखोगे ये तो चलो साइडवेज मार्केट है, लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा आप देखोगे मार्केट दिन में एक बार अपने वी वैप पे आता है. जैसे आप देखो यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ, डेटा चेंज हुआ, ये वापस वी वैप पे आया, ये वापस वी वैप के पास आया, एंड फिर ऊपर जा रहा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज देयर एवरेज, दे विल नॉट लेट इट गो. यहाँ पर शुरू में सुबह एक दो घंटे पोजिशन बनते हैं. आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए भी कि मार्केट में सुबह दो घंटे वेट करिए. अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं, आप दो घंटे वेट करिए, देखिए मार्केट में डायरेक्शन किस तरफ बन रही है. एक बार डायरेक्शन बन जाती है, वेट फॉर द मीन रिवर्जन. मीन इज द प्लेस वेयर यू शुड टेक योर ट्रेड. ट्रेड कैसे लेंगे? कंफर्मेशन इज द प्राइस एक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड. दैट इज दैट सिंपल डाउ थ्योरी विद थ्री कंडीशंस ऑफ हायर हाई, हायर लो एंड हायर क्लोज अबव द हाई, एंड द ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन द फॉलो अप कैंडल अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल. विनीत जी सर, इसमें आपके चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या पिवट पॉइंट्स हैं, क्या चीज है? हाँ जी, ये पिवट पॉइंट्स हैं. पिवट पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो. कैसे यूज करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, स्पेशली इन अ करेक्टिव मूव और फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, जहां पर हमको पता है कि हमको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं, तो क्या करना चाहिए? जो मैं जो फॉलो करता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पर मेरे को एक डाउ कन्फर्मेशन, चलो यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक डाउ कन्फर्मेशन मिला, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ठीक है. अभी प्राइस यहाँ तक चला गया, ठीक है. यहाँ पर मैं वेट नहीं करता हूँ कि मेरे को ऐसे करके वो मिले, मतलब सेल का मिले सेटअप, मतलब लो बिलो द लो, क्लोज बिलो द लो एंड हाई बिलो द लो, उसका मैं वेट नहीं करता. मैं यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ यहाँ मैं निकल गया, यहाँ से ऊपर एक बार फिर डाउ कन्फर्मेशन दो, मैं फिर एंटर कर जाऊंगा. ये ग्रीड मैंने छोड़ दिया. अभी ये ग्रीड छोड़ने से क्या हुआ, मेरा यहाँ एग्जिट हो गया. अभी कई बार आप देखोगे बहुत बड़ा प्राइस एक्शन आ जाता है इस तरह से, मतलब वो जो ये दो कैंडल बनते हैं, दूसरा कैंडल इतना बड़ा बन जाता है. अब आपको क्या है, यहाँ पर निकलो तो आपका ये पूरा लॉस गया, ये पूरा प्रॉफिट जो था ये इसका आधा चला गया. तो एक बार मैं यहाँ निकल जाता हूँ और प्राइस को बोलता हूँ इसके ऊपर निकलो, तो फिर मैं देखूंगा. इंट्राडे लेवल्स हैं, इंट्राडे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर्स है. 99% केस में प्राइस निकल के वापस रिट्रेस करके ही ऊपर जाता है. दिस इज हाउ प्राइस वर्क्स. अगर कोई प्राइस, मैं आपको बताऊं, यहां से ऐसे करके निकले और उसके बाद वो बड़ा सा कैंडल बना के निकल जाए, उसको मत ट्रेड करिए, उसको छोड़ दीजिए. दिस इज अ ट्रैप मूव. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ ट्रैप मूव. अ गुड मूव इज व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अ मेजर लेवल, retraces back with a lower volume and then goes up. This is a good move. तो यहाँ पर जब ये price निकले wait करिए, retracement पे आपको यहाँ पर Dow confirmation दे देगा, आप यहाँ enter कर जाओ. विनीत जी. हाँ जी. सर ये lower volume आपने कुछ बोल दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा explain कर दीजिए तो, what is this lower volume? देखिए जब भी price में breakout होगा ना, तो देखिए सबसे पहले trading जो है ना ये human psychology से बहुत match करती है, because stock market is nothing but something which is made by the human mind only. राइट. तो ह्यूमन साइकोलॉजी हर लेवल पे अप्लाई करिए. जब यहाँ पर ये जो लेवल है पिवट का, ये या यहाँ पर कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होगी. जो बेयर्स एंड बुल्स हैं उनमें फाइट होगी. जब फाइट होगी तो होगा क्या, यहाँ पर वॉल्यूम हाई होगा. राइट. राइट. क्योंकि वो लड़ाई होगी. जब वॉल्यूम हाई होने के बाद ये सस्टेन हो जाता है, यानी कि ये वैलिड ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद जनरली प्राइस एक बार रिट्रेस करने के लिए आता है. ये जो रिट्रेसमेंट पीरियड होती है, इसमें दो या तीन रेड कैंडल या एक रेड कैंडल जो भी बने, उसका वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए. ओके, रिट्रेसमेंट के टाइम पे रेड का वॉल्यूम कम होना चाहिए. ओके, राइट. ये जो कैंडल है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए. अगर इसका वॉल्यूम कम है, देन यू कैन कंसिडर इट टू बी अ वैलिड रिट्रेसमेंट. तो इसमें क्या है, सपोज पहली कैंडल यहाँ बनी, पहली कैंडल या जरूरी नहीं है यहाँ पर आ जाएगी, पहली कैंडल यहाँ बनी लो वॉल्यूम में, तो आप ये पहली कैंडल देख के ही समझ जाओगे कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया.
यू जस्ट वेट कि प्राइस यहाँ आए, आप यहाँ बॉटम पे बाई कर लोगे, फिर आप यहाँ पर फिर डाउ का भी वेट नहीं करोगे, बिकॉज आपने तो यही आइडेंटिफाई कर लिया, आपका ट्रेडिंग डिसीजन यही हो गया था दैट दिस इज अ लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट। ओके, और वहां पे अगर बड़ा वॉल्यूम बन रहा है रेड में, इसका मतलब कि बेयर्स अभी एग्रेसिव हो गए हैं, वो प्राइस नीचे एग्रेसिव हो गए हैं, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। एक दो चीज याद रखिएगा, मार्केट में वैलिड ब्रेकआउट, वैलिड हर चीज वैलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे बताता हूँ, वैलिड बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, वैलिड ब्रेकआउट, वैलिड रिट्रेसमेंट। तो आप देखो ये वैलिड वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ब्रेकआउट देखते हैं, रिट्रेसमेंट देखते हैं, लेकिन वो वैलिड है कि नहीं, उसके रूल्स अपने सेट करिए। डिसिप्लिन जितनी फॉलो करेंगे, मार्केट लाइक्स डिसिप्लिन। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, उसके पहले आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। ये मार्केट ही बना देगा आपको, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन ये मांगता है कि अगर उतना डिसिप्लिन किसी में आ जाए तो वो फिर अलग ही दिखता है। तो चलिए इसको हम अभी यहाँ रैप करेंगे, इसके साथ आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग ले लेते हैं। तो आप लोग एक बार अपने हैंड राइज कर लीजिएगा जिसको लेना है, फिर हम उस हिसाब से ले लेते हैं। आप लोग में से किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड राइज कर लीजिए। Or you can unmute and then ask the question. अब चार्ट की जो सेटिंग आप वीवेप का लगाएंगे, बस वीवेप एंड 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 योर कैंडलस्टिक, आप ये हैकरशिप नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन। आप डायरेक्ट प्राइस से पूछते हो आपको क्या करना है, नथिंग एल्स। वीर सर, ओके सॉरी, तो आपकी ओपिनियन में हैकरशिप इज बेटर और ये सिंपल अपना कैंडल इज बेटर? सिंपल कैंडल इज बेटर ऑलवेज, सिंपल कैंडल इज बेटर। यस विनी सर, आपने आपने दो वर्ड यूज किया था, एग्रेसिव हेज और कंजर्वेटिव हेज। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे क्या इन दोनों का, एक एक? देखिए इसमें क्या है कि दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जांपल विच आई कैन गिव, बिकॉज इसमें होता क्या है, देर आर मेनी सिनेरियोस। जैसे मैंने आप लोग को अभी ये डाउ थ्योरी में बताया, देर आर थ्री रूल्स, हायर हाई हायर लो एंड द क्लोज अबव द हाई। तो उसमें क्या है कि अ कंजर्वेटिव हेज इन एन इम्पल्स वेव इज डिफरेंट, इन अ करेक्टिव वेव इज डिफरेंट। तो देर आर वेरियस सिनेरियोज, हायर विक्स में अलग है, लोअर विक्स में अलग है, आप समझ रहे हो। तो देर आर मेनी पैरामीटर्स दैट हैज टू बी सीन। हेज इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने आप लोग को बताया कि हेज को पहले समझिए। हेज को जब आप समझ जाओगे, यू कैन अनलीश, मतलब बहुत सारी, मैं आपको बताऊँ, कुछ होली ग्रेल्स भी हैं इसमें, रिटेलर्स से छुपाया जाता है या नहीं बताया जाता है, एंड वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उसको भी आप तभी यूज कर पाओगे जब तक, जब आप हेज को समझोगे। हाउ ऑप्शंस आर वर्किंग, हेज बनाना कैसे है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप कॉपी करोगे ना, उसी दिन मारे जाओगे। राइट, तो कुछ इनपुट दीजिए ना सर इसके लिए कि कैसे इसको इंप्रूव करें। जैसे आपने बोला कि समझना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं, आप लोग इस पे वर्क करिए कि ये समझने की कोशिश करिए कि हेज बनता कैसे है, हेज से पहले ऑप्शंस कैसे बनते हैं, ऑप्शंस का प्रीमियम कब ऐड किया जाता है, ऑप्शंस में से प्रीमियम कब निकाल लिया जाता है, और वो किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। ओके राइट, ओके। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन को कैलकुलेट करना सीखिए। ओके ओके, हां ये एक क्वेश्चन था। विनी जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमने डॉ थोड़ी देखा अभी कि सेकंड कैंडल के बाद हमारा डिसीजन हो जाता है कि हमें अभी ट्रेड लेना है। Correct. अब थर्ड कैंडल पे जब हमें दिखाई देता है कि वो सेकंड कैंडल के, सपोज हम ऑन ए बाय ट्रेड ले रहे हैं, सेकंड के हाई के ऊपर वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें ट्रेड लिया, वो ड्यूरिंग द डे ट्रेड ले लिया हमने, अब पता लगा कि बाय एंड द डे, क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि बाय एंड द डे कैंडल हमें रिवर्स सिग्नल दे दे और हमें निकलना पड़ जाए उससे बाहर? देखिए यहाँ पर दो चीजें, आप वही चीज कर रहे हो जो मैक्सिमम रिटेलर्स गलती करते हैं, कि आपने ये डिसीजन नहीं लिया है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो। अगर आप ये देखिए, होता क्या है ना, 90% लोग यही सोचते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ेगा। देखिए जैसे होता है ना कि आप, सपोज आप फ्रूट्स लेने जा रहे हो तो आप फ्रूट के मार्केट में जाओगे, सिमिलरली आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ इंट्राडे के ही सेटअप को देखोगे, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग के सेटअप को देखोगे,
अगर आप एक सपोज पोजिशनल ट्रेडर हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप डे सेटअप से ट्रेड या वीक सेटअप से ट्रेड ले रहे हो और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डाउ में सेल आ गया तो आप क्या बेच दोगे? आवरली पे डाउ में सेल आ गया तो आप क्या सेल करोगे? नहीं करोगे। अब आप सोचो यहाँ पर जो हमने मूव देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस मूव को देखा था यहाँ पर जो 19 अप्रैल 21 में बना था एक डाउ कंफर्मेशन वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पर हमको एंट्री मिली यहाँ पर, दिस वाज 15,000 लेवल, एग्जिट वाज 17,800, 2800 पॉइंट की रैली थी। अभी ये 2800 पॉइंट की रैली के बीच में कितनी बार डे टाइम फ्रेम में सेल आया होगा? आवरली पे तो हर दूसरे दिन आया होगा, डे टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश बना होगा। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, आप क्यों जाओगे वो सब देखने? तो सबसे पहले ये डिफाइन करिए कि आप किस पर्पस से उस ट्रेड को देख रहे हो। राइट सर। राकेश सिन्हा जी बताइए। यस सर। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर। बोल रहे थे कि इंट्राडे के लिए सर टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है, किस समय को यूज करना चाहिए और टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए? देखिए अगर आप इंट्राडे को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा डेली आवरली को देख के ट्रेडिंग डिसीजन लेने की कोशिश करिए, और इसके साथ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करिए। 3 से 4 महीने अगर आप 15 मिनट पे सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप 5 to 10 मिनट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज याद रखिएगा, रूल्स को मत तोड़िएगा, स्टॉप लॉस को प्लीज मेंटेन करिएगा। मार्केट बहुत काइंड है, आपको साइडवेज मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस देगा, लेकिन बड़ा ट्रेंड आज के बाद आपसे कभी नहीं छूटेगा। आप कभी नहीं बोलोगे अरे मार्केट भाग गया, मैं देखते ही रह गया। सर इसको चेक कहाँ करना है? 15 मिनट पर मतलब आफ्टर 1 आवर, हाफ एन आवर? देखिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको तो हर 15 मिनट पे देखना है ना। मॉर्निंग से देख सकते हैं या 1 घंटा वेट करना है? ये पूछते क्यों वेट करना है? नहीं, कोई वेट नहीं करना है। आप देखो यहाँ हमने क्या किया, 9:15 की कैंडल, 9:30 की कैंडल, ट्रेड कंफर्मेशन 9:50 पे ट्रेड मिल गया। यस। और यहाँ तो हमारा एग्जिट ही हो गया। कहाँ था ये रहा, ये कौन सी कैंडल थी, दिस वाज 12:45 पे तो हमने एग्जिट कर लिया मार्केट से। यस। अगर हम मिस कर गए हैं तो फिर हम कॉन्ट्रैक्टेड के लिए वेट करें, जैसे मॉर्निंग में अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया, हाँ, आफ्टर 1 आवर आई स्टार्टेड टू सी द मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट करते हैं या इसमें फिर से वापस वीपैप के पास आने पर वेट करें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये चीज को भी आपको देखना है। अब आप देखो ये वाले जो 2 दिन हैं, इस 2 दिन में मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंपल्स वेव चल रही है, करेक्ट, और यहाँ पर एक करेक्टिव वेव वापस बननी स्टार्ट हुई है, करेक्ट। दिस करेक्टिव वेव कैन कन्वर्ट इनटू एन इंपल्स वेव आल्सो, नो प्रॉब्लम, बन भी सकती है, बट उसके और कन्फर्मेशन अभी डे में सेल में है। अगर आवर्ली बाय में आ जाता है, या हो सकता है आ गया हो, चार्ट पे देख के लग रहा है आवर्ली बाय में आ गया है, अगर आवर्ली बाय में आ गया है तो यहाँ पर हम फिर एक छोटा सा मूव देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और इसके ऊपर निकलेगा तो हम फिर बड़े मूव के लिए राइड करेंगे यहाँ तक के लिए, और फिर इसके ऊपर निकलेगा तो हम पोजिशनल ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो आपको ये लोकेशन को समझना है। जैसे मैं बताता हूँ सबको, अपने मेंबर्स को, यहाँ पर एक वर्कशॉप हम कर भी रहे, अभी मैं आपको उसका छोटा सा ग्लिम्स भी दिखाऊंगा। तो उस वर्कशॉप में हमने क्या किया है, आप देखोगे कि मैं 3 चीज बताता हूँ। सबसे पहले प्राइस की लोकेशन को देखिए, प्राइस की लोकेशन के साथ वेव को पहचानिए, ट्रेंड को देखिए, और उसके साथ डाउ कंफर्मेशन को देखिए। तो डाउ कंफर्मेशन तो आप लोग समझ गए जो हमारे रूल्स हैं। अब आती है बात लोकेशन की। तो लोकेशन का मतलब सिंपल है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे हमारे डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, जैसे अभी हमने जो करंट सिनेरियो में जो हमने एक डिसीजन बनाया कि अभी आज की डेट में अगर हमको एक व्यू बनाना है कि क्या करना चाहिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा वीकली और मंथली तो बाय में है, लेकिन डेली में ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन ये ट्रेंड चेंज जो हो रहा है, अगर इसके नीचे जाता है, वीकली लो के नीचे आता है, तो वहां पर एक करेक्टिव मूव और स्ट्रांग हो जाएगा, विच इज 18,365, और अगर इसके ऊपर निकलता है इट विल अगेन शूट अप वेरी फास्ट। अगर यहाँ डे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज मिलता है और ये लो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर फिर ट्रेंड चेंज होगा जो यहाँ हुआ था, एंड वी गॉट अ वेरी गुड मूव हियर ऑफ 500-700 पॉइंट्स। तो इन चीजों को यूज करिए। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्राइस। तो प्राइस की लोकेशन को यूज करना है, आपको ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड को देखना है मतलब वीकली देख लिया, मंथली देख लिया फॉर पोजिशनल,
वीकली डेली आवरली देख लिया फॉर स्विंग, डेली आवरली 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे, तो आपको ट्रेंड पता है। सिमिलरली लोकेशन को देख लिया प्लस डाउ कंफर्मेशन से ट्रेड ले लिया। अगर ये तीन चीज को आप कर लेते हो आपका कभी भी नहीं छूटेगा एंड यू विल नो कि आपको कब कौन सा ट्रेड करना है। ये जो लोकेशन देखना है और ट्रेंड देखना है इसका मेन फायदा ये है, आपको ये पता होता है कि कब आपको बड़ा ट्रेड लेना है, कब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से निकलना है। सर प्रेजेंट सिनेरियो की सर एक बात करेंगे सर, तो अभी तो मंथली अप है और वीकली भी अप है, डेली में ये अभी जो चल रहा है, तो अभी क्या सेटअप मंडे के लिए हम लोग जैसे रखना चाहिए, क्योंकि ये तो डाउन है डेली में और मंथली और वीकली अप है। करेक्ट, तो जब हमारा मंथली वीकली अप है और डेली पे डाउन है तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ये मान सकते हैं कि एक करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई है। आफ्टर दिस इंपल्स वेव एक करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई है वापस से, राइट। अभी करेक्टिव वेव जो स्टार्ट हुई है इसमें हम क्या करेंगे कि जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, जो हमारा वीकली लो था, ज्यादा दूर भी नहीं है वो, सो दिस इज आवर फर्स्ट एंड इमीडिएट सपोर्ट लेवल 368 के नीचे नहीं जाता है तब तक वो बहुत छोटे करेक्टिव मूव में ट्रेड करेगा मार्केट, करेक्ट। और अगर इसके नीचे जाता है तो करेक्टिव मूव थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक वो मंथली यानी कि इस लो के नीचे नहीं आएगा 17985 के, तब तक वो इसी तरह से मूव करता रहेगा इस रेंज में। रेंज क्या है, यहां से लेकर यहां तक, दिस वुड बी आवर करेक्टिव मूव। लेकिन अगर ये यहां पर डे टाइम फ्रेम में इस हाई के ऊपर फिर से क्लोज हो जाता है तो यहां पर वापस से सिंक में आ जाएगा डे टाइम फ्रेम अपने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम से। तो जो चीज यहां हुई थी आफ्टर दिस एंटायर नवंबर मंथ साइडवेज मूव, यहां पर जो हमको एक कंफर्मेशन मिली एंड यहां एंट्री मिली एंड वीसी की कितना बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है 4-5 दिन में, तो वही वापस भी हो सकता है अगर यहां पर उस तरह का होता है। लेकिन वो कहां होगा, इस लेवल के ऊपर होगा, बिकॉज दिस इज आवर वीकली हाई, करेक्ट। सर एक सवाल और सर, सर ये जैसे इंट्राडे हम लोग करते हैं उसमें भी हेज के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा आप हेज के बिना, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस भी मत करिए, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करोगे कल को आप वही चीज करोगे। और अगर आपने आज अगर हेज के बिना प्रैक्टिस भी किया है तो कल को आप हेज चाह के भी नहीं कर पाओगे या उसमें मारे जाओगे। तो मैं तो कहूंगा अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में तो आप प्रैक्टिस भी हेज के साथ ही करिए। यस सर, एक एग्जांपल सर, लास्ट 2 तारीख को मैंने स्प्रेड बनाया बियर स्प्रेड, लेकिन फिर जैसे वो वापस आने लगा प्रॉफिट में ही था, जब मार्केट घुमा तो फिर मैं होल्ड नहीं कर पाया, फिर उसको रिमूव कर दिया। ओके, ये डिसीजन किस लेवल पर होना चाहिए, इंटरडे के लिए बियर स्प्रेड नहीं फिर ये सर? देखिए यही चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि लोगों को हेज डिजाइनिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है, उनको यही नहीं पता होता कि स्ट्राइक कौन से लेने हैं, तो ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा। आपको ये चीज खुद समझनी पड़ेगी कि कौन सा स्ट्राइक हमको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक और किस तरह का हेज हमको कहाँ बनाना चाहिए। दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे को भी टाइम लगा था और अब हम इस पे सेशंस भी करते हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि किस तरह से कब कौन सा हेज होता है, एग्रेसिव हेज कब होता है, कंजर्वेटिव हेज कब होता है, तो उसमें हम लोग यही चीज डिस्कस करते हैं और इससे काफी फायदा भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना आप कन्विक्शन ही नहीं होगा ट्रेड करने का, आप वो 2 लॉट से 20 लॉट पे जा ही नहीं पाओगे। ये सर जैसे कंजर्वेटिव हेज एक मेरा था कि मैंने जस्ट 100 पॉइंट के डिफरेंस में निफ्टी में हेज बनाया, तो ये तो बहुत कंजर्वेटिव हेज हुआ। देखिए यही चीज लोग सोचते हैं कि 100 पॉइंट बनाया तो मेरा कंजर्वेटिव हो गया, लेकिन आप एक चीज सोचो ना, 100 पॉइंट का अगर आपने बनाया तो सबसे पहले तो वो कौन से 100 पॉइंट है, ओटीएम ओटीएम में है, एटीएम ओटीएम में है, आईटीएम एटीएम में है, आईटीएम ओटीएम में है, एटीएम ओटीएम किया था मैंने, तो क्या होगा कि इन सारे कॉम्बिनेशंस में वो 100 पॉइंट का रोल अलग अलग होता है। यस, तो इन चीजों को समझना पड़ता है विक्स के हिसाब से। आपका कोई वीडियो या कोई प्रॉपर होगा ऑप्शन के लिए जो है कोई चैनल, आप एक बार शंकर भैया आप अपना एक बार नंबर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वो बता देंगे। ओके थैंक यू, मिस्टर शंकर पंडित है यहाँ पर। यस थैंक यू, आप नंबर नोट कर लीजिए, चैट में शेयर कर दीजिए, चैट में शेयर कर सकते हैं जो चैनल, चैट में दे देता हूं मैं नंबर, चैट में दे दीजिए। ओके थैंक यू। क्या आपका चैनल है, क्या है चैनल है? सर चैनल भी है और ऐसे भी हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा। राकेश सिन्हा जी। यस सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, हेज बनाना आसान है, होल्ड नहीं होता है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ सर, फिर होल्ड होता नहीं है इंटर, या नेचर हम लोग का डिफरेंट है। ये इसका रीजन ही ये होता है क्योंकि जो हेज बना है ना, वो हेज अगर देखिए आपको कंफर्ट देगा ना,
जैसे इक्विटी में होता है, आज अपने रिलायंस का शेयर ले लिया, 200 रुपया गिर भी गया आप होल्ड करते हो, क्यों? आपको मालूम है कहीं जाने नहीं वाला है, वो आएगा। सिमिलरली आप हेज ऐसा बनाओ ना जिसमें आपको पता है कुछ जाने नहीं वाला है, जिस दिन वो होगा उस दिन 2 लॉट का 20 लॉट भी आप कर लोगे। तो यही चीज है। Okay, अच्छा ये आप ये स्ट्रगल का आप हेज कैसे करेंगे थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं लोगों को? काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका क्या ऐसा पर्सपेक्टिव है? देखिए स्ट्रगल में जैसे आप लोग करते हो, मैं आपकी कई सारे वो देखता भी हूँ और आपकी जो क्लैरिटी है उससे कई चीजें मैंने भी सीखी हैं। तो स्ट्रगल में बेसिकली क्या है कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल का जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट बता ही रहा था कि कब स्ट्रगल को करना है, सिर्फ उसको अगर कोई समझ लेना तो वो बहुत। जैसे अभी देखिए आप लोग सेशन के पहले ग्रैनुअल्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो हम ग्रैनुअल्स का चार्ट देखते हैं। अब आप में से ही कोई बताइए कि इसमें अभी मंथली में ट्रेंड क्या है, बताइए। सर आपका ट्रेंड है बुलिश, ट्रेंड है, क्योंकि ये दिसंबर तो अभी चल रहा है, बंद हुआ नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम वीकली में देखते हैं तो ट्रेंड क्या है। वीकली में डाउनवर्ड आ गया, लास्ट डाउनवर्ड आ गया, यहाँ पर बेरिश ट्रेंड हो गया। तो यानी कि हमारे दो हायर टाइम फ्रेम में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक रहेगा ये हम कैसे देखेंगे? जब तक हमारा प्रीवियस मंथ लो ब्रीच नहीं होता है, जो कि ऑलरेडी हो गया है। जो हमारा नवंबर मंथ का लो है ये जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक ये कंजर्वेटिव करेक्टिव वेव होती। अभी पिछले मंथ का लो ब्रेक हो गया और पिछले मंथ के हाई के आसपास भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक इंपल्स वेव भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि मंथली हमारा बेयरिश में आ रहा है और वीकली हमारा ऑलरेडी बेयरिश में चल रहा है, करेक्ट है? अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी प्रॉपर बेयरिश में हम लोग, करेक्ट है? तो अब आप देखो कि जब तक हमारा क्लोजिंग बेसिस पे मंथली वीकली नहीं आएगा तब तक एक डायरेक्शनल प्ले हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप बन जाता है मंथली और पिछले मंथ के और इस मंथ में, तो ये एक इंपल्स वेव भी बन सकती है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो वो बन भी रही है। हाँ बिल्कुल, डेली डेली और वीकली ऑलरेडी सेल में है और मंथली भी ऑलमोस्ट नवंबर के नीचे निकल पड़ा है क्लोजिंग के लिए। अगर ये क्लोज हो जाता है तो सर ये तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रहा है ये। अब इसको हम चार्ट के एंगल से देखते हैं। ये हमारा चार्ट है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक वेव आई, अभी ये वेव के बाद ये करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई। करेक्टिव वेव अभी डेली में थी, डेली से वीकली में आ गई। वीकली में आने के बाद आप देखो यहाँ तक साइडवेज था, यहाँ से फिर स्पीड पकड़ लिया। स्पीड क्यों पकड़ा? क्योंकि वीकली में करेक्टिव आ गया। अभी अगर मंथली में आ गया तो क्या होगा? ये इम्पल्स वेव बन जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? दिस इज अ लाइव एग्जांपल जो हमने आज डिस्कस किया। कितनी जल्दी हमने तीनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लिया, इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। और मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो हमारी अभी करंट वर्कशॉप चल रही है, आई बिलीव उसके भी कुछ मेंबर्स होंगे आज के वेबिनार में। तो आप देखोगे यहाँ पर हम लोग इस तरह के एक एनालिसिस करते हैं जिसमें हर दिन हम लोग इसको अपडेट करते हैं। ये हमारा मंथली वीकली बेसिस पे अपडेट होता है, ये डेली अपडेट होता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है, ये हमारे मेंबर्स हैं जिनको स्टॉक्स असाइन किए गए हैं, ये निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ हमको ये पता चलता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो जो ट्रेंड चल रहा हो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट दिन हमने इसमें ट्रेड किया था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मंथली में बुलिश है, वीकली में बुलिश है, लेकिन ये थर्सडे को डेली में बुलिश में कन्वर्ट हुआ। अब आप लोग को मैं ये यहाँ दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये जो है ना, इससे हम स्टॉक सिलेक्शन भी करते हैं। आप में से कईयों की ये प्रॉब्लम होगी स्टॉक सिलेक्शन की, तो आप देखोगे ये स्टॉक सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। जब हमारा मंथली और वीकली बुलिश है और डेली बेयरिश चल रहा था, वहां पर क्या हुआ? अब ये हमारा डेली चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है? अब आप देखो ये वाली कैंडल को आप लोग छोड़ दो एक बार, फ्राइडे की। इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेंड क्या था, तो ट्रेंड यहाँ बेयरिश था, ठीक है? ये थर्सडे को ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है? जैसे ही ये थर्सडे को ट्रेंड चेंज हुआ, ये स्टॉक मार्केट खुलने के पहले हमारे स्टॉक सिलेक्शन में रेडी था कि बस इसको देखना है अगले दिन। ये स्टॉक अब अगले दिन खुला, यानी कि फ्राइडे को,
फ्राइडे को जब ये स्टॉक खुला तो हमको कुछ नहीं करना था, मैं तो 5 मिनट्स ही यूज करता हूँ, वैसे सजेस्ट करता हूँ नए लोगों को 15 मिनट यूज करिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो फिर आप 5 मिनट भी करो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर मार्केट खुला, यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद ये इस कैंडल पे मेरे को डाउ कंफर्मेशन मिला, यहाँ मेरे को डाउ कंफर्मेशन मिला, यहाँ मेरी एंट्री बनती है, यहाँ मेरी एंट्री बनी, इनफैक्ट मेरे को डाउ कंफर्मेशन यहीं पर मिल गया था, यहाँ पर मेरे को एंट्री मिलती है 77 पे मैंने एंट्री ली भी थी। और यहाँ से आप देखो तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पिवट्स को यूज करते हैं फॉर इंट्राडे बेसिस। आप देखो यहाँ पर हमको प्रॉपर एग्जिट दिया उसने, और मेरे को याद है हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने मेरे से पूछा भी था कि यहाँ एग्जिट कर जाए, मैं बोला देखो आ गया है निकल जाओ, और वो बोला भी कि फिर देखिए अगर नहीं निकलते तो नेक्स्ट 2 कैंडल में ही पूरा प्रॉफिट चला गया था जो एक पिवट से दूसरे का था। तो नॉलेज आपको कितनी हेल्प करती है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो और प्रॉपर वो हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेंड राइड कर सकते हो। उसके बाद आप देखो इस पिवट के ऊपर आपको कंफर्मेशन दिया, रिटेस्ट किया फिर ऊपर, तो आपको ये ट्रेंड भी राइड करने का मौका दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिफोर द मार्केट ओपन्स आपको यहाँ पर आपका स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सोचो एक थ्योरी से आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया, एक थ्योरी से ही आपका ट्रेंड में एंट्री हो गई, आपका ट्रेंड राइड हो रहा है, आपके पास स्टॉप लॉस है, आपके पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, और वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, विद डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि ये पैरामीटर्स हैं, द पैरामीटर्स आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, नो हैंकी पैंकी, ओनली 3 थिंग्स, हाई अबव द हाई, लो अबव द लो, एंड द क्लोज हैज टू अबव द हाई। सिंपल प्राइस से पूछना है, नो MACD, नो सुपर ट्रेंड, नो इंडिकेटर, नथिंग एल्स, ओनली प्राइस, भाव भगवान से हम उसको मानेंगे, दैट्स इट। तो आप में से और किसी के कोई क्वेश्चन है मिस्टर? सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलिए सर। कभी कभी मैंने ये सुना है कि प्राइस कैन मूव विदाउट वॉल्यूम ऑल्सो, विच इज नॉट अ वैलिड प्राइस मूवमेंट, विल दैट बी अ प्रॉब्लम इन दिस थ्योरी ऑफ डाउ थ्योरी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने जो 3 रूल्स बताए हैं उसमें कहीं वॉल्यूम के बारे में बोला ही नहीं। हाँ, इसलिए मेरे को डाउट आया सर ये। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, देखिए प्राइस आपका बोल रहा है ना, आप एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, इस सिस्टम में आपको ट्रेडिंग डिसीजन दे रहा है, आपको एंट्री दे रहा है, आपको स्टॉप लॉस दे रहा है, और आपको राइड करा रहा है, आपको ये हर चीज फॉलो करनी है, सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। ट्रेडिंग डिसीजन के बाद एंट्री लेनी है, एंट्री के बाद स्टॉप लॉस भी देना है, मार्केट को स्टॉप लॉस खुद दीजिए। आज तक मार्केट आपसे लॉस अपने टर्म्स पे लेते आया है ना, आज आप मार्केट को बोल दो बॉस ट्रेड लूंगा लेकिन लॉस अपने टर्म पे दूंगा, मैं बताऊंगा कितना लॉस देना है, तुम नहीं बताओगे कितना लॉस देना है। राइट, जिस दिन आप अपने साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे ना कि ठीक है मैं अगर ये करूंगा तो मेरे इस ट्रेड सेटअप में 20 रुपया जाएगा, आपको ट्रेड लेते समय पता है, तभी आप 2 लॉट का 10 लॉट करने की हिम्मत करोगे। अभी होता क्या है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार 200 पॉइंट गिर गया तो, एक लंबा कैंडल बन गया तो, लेकिन अभी क्या है? हमको तो मालूम है ना कि हमारा ये सेटअप है, हमको 20 रुपये ही देना है, ले लो 20 रुपये में भी हेज में क्या ले, 6 रुपये 7 रुपये जाएगा, चला जाने दो, क्योंकि हमको मालूम है। ये कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है कि ये छोटे मूवमेंट्स में कंसोलिडेशन में आपको थोड़ा थोड़ा देगा, थोड़ा थोड़ा लेगा, लेकिन जब बड़ा ट्रेंड होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप देखते रह जाओगे और ट्रेंड निकल जाएगा, आप उस ट्रेंड में बने रहोगे, प्रोवाइडेड आपके टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड आ रहा है। सपोज आप 15 मिनट में कर रहे हो, आपको 15 मिनट का पूरा ट्रेंड देगा, आप वीकली में कर रहे हो, आपको वीकली का पूरा ट्रेंड देगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, अगर आप वीकली में कर रहे हो आप उसको स्ट्रिक्टली वीकली में फॉलो करते रहिए। अभी हमने यहाँ देखा किस तरह से वीकली में अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको कितना बड़ा ट्रेंड मिला, अराउंड 2500-2800 पॉइंट का ट्रेंड मिला। करेक्ट सर। तो कोठारी जी 12:52 आई थिंक रैप अप कर लिया हमने विद इन द टाइम फ्रेम, किसी के और क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं। सर बिनी सर क्या बोलिए? नमस्ते सर। सर एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लगाइएगा प्लीज। कौन से टाइम फ्रेम में? सर वीकली में सर। बताइए
सर इसमें जो हमारा डाउ कंफर्मेशन हुआ था सर, प्राइस उसके ऊपर भी गया, हमने एंट्री ले ली सर। अब सर वन डे में एक बार प्लीज। ये आप करंट टाइम फ्रेम के अभी अभी की बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर, जी सर। ओके करेक्ट, ठीक है। एज ए सर एक रेजिस्टेंस पे भी है ये, और सर डाउ कंफर्मेशन वन डे में भी मतलब बेयरिश साइड में हो रहा है। करेक्ट। तो सर इस पे थर्ड कैंडल पे डिसीजन लेना चाहिए, एग्जिट या एंट्री का मतलब जो भी है इसका। देखिए मैं आपको फिर से वही चीज बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम थी। सेम टाइम फ्रेम पे, सेम टाइम फ्रेम पे एंट्री एंड एग्जिट ऑन द सेम टाइम फ्रेम। हां बिल्कुल। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आप इसमें ट्रेड किस लिए कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। आप इसमें एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप इसमें एक स्विंग ट्रेडर हैं, या आप इसमें एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। जी। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देख के एक पोजिशनल ट्रेड लेते हो और आप डेली टाइम फ्रेम से उसमें एग्जिट करोगे, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया ना, चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ, वो खुला रहने देता हूँ। निफ्टी 50 यहाँ वापस खोलते हैं और इसको अब इस बार हम डिटेल में जाके देखते हैं, तो शायद थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, अभी हमने देखा था यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें हमको यहाँ एंट्री मिली और यहाँ तक हमको उसमें राइड करने को मिला। जी जी। अब आप इसमें देखिए ये कौन सा दिन था, दिस वाज 17th May 2021 एंड दिस इज 1st of November, यानी मई से लेकर नवंबर तक। जी 17th में। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ दिस इज 13th, 14th, 15th, 17th में, राइट? अब आप देखो 17th में के बाद हमने एंट्री ली थी 17th में को, 18th और 19th में पे कितनी बैड कैंडल्स हैं। जी सर ये देखो कितनी बैड कैंडल्स हैं, ये देखिए कितना बैड ट्रेंड गया यहाँ पर, गया ना? जी सर। अगर आप यहाँ पर इसको देखते तो आपको ये राइड ही नहीं करने देता, आपको निकाल देता किसी कारण से, आपने या नहीं भी देखा आपको यहाँ निकाल देता, आपको यहाँ निकाल देता, आपको यहाँ निकाल देता। जी सर। डिसिप्लिन, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन, रूल विद डिसिप्लिन, इसको समझ लीजिए। और ये मार्केट से बोलिए मैं आया प्रॉफिट के लिए हूँ, लेकिन मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, मैं पोजिशनल हूँ, मैं स्विंग हूँ। और मैं तो रिटेलर्स को बोलूंगा अपना मेजर पोर्शन या एक पोर्शन ऑफ द कैपिटल को पोजिशनल में यूज करिए, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बिल्कुल सर, वही कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं। हाँ, मंथली के हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन ट्रेंड को देखिए और वीकली के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूशन करिए। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स को आप राइड करोगे, लेकिन आपको इसमें बहुत पेशेंस भी रखना होगा क्योंकि वीकली चार्ट वीक में एक बार बनता है। तो ये ट्रेंड्स भी हैं, ये आप देखो यहाँ पर एक बना, ये इतना बड़ा करेक्टिव वेव चला, फिर दो बने अभी। तो इसमें आपने कहीं भी अगर आप एक बार देख लेते हैं ना, तो आपको ये बहुत बड़ा ट्रेंड राइड करने में हेल्प कर। गॉट इट सर, थैंक यू सर। अभी जी में बन रहा है, देखिए ये आपका अब जी वाला भी रहा था। ऐसा कैसे हो गया, वेबिनार खत्म हो जाए अब झील ला है। करेक्ट। तो चलिए झील का देखते हैं। तो झील में अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम देखता हूं, तो झील के मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पर बुलिश है, करेक्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमको यहाँ पर बुलिश मिला है कन्वर्जन के साथ, मतलब एक बेयरिश चल रहा था जो बुलिश में कन्वर्ट हुआ है। डेली में ऑब्वियसली बुलिश है। तो अब आप देखो ये कितना अच्छा, मतलब आपको यहाँ पर क्लियरली एक स्टॉक सिलेक्शन मिल रहा है फ्रॉम वीकली वीकली पर्सपेक्टिव, क्योंकि वीकली में कन्वर्जन हुआ है इस वीक। तो वीकली में अगर कन्वर्जन हुआ है तो आपको यहाँ पर एक क्लियर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। ये तो निफ्टी 50 में नहीं है ना, चलो कोई बात। तो वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये कितना अच्छा लग रहा है। और भी देखिए, हम इसमें एग्जिट कब बन रहा है, इसमें भी एग्जिट कब बन रहा है आपका, एग्जिट फॉर व्हाट, एग्जिट फॉर झील। देखिए अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो तो आपको एग्जिट क्यों करना है, आप तो इसमें अभी राइड करोगे ना। इसके ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री देता है या सस्टेन करके, मंथली टाइम फ्रेम आपका बुलिश है, आप राइड करोगे इसको। अच्छा, राइड करेंगे भैया। हाँ 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 बिल्कुल, आप राइड करोगे इसको। और अगर इसके ऊपर निकल गया तब तो फिर बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ तक का लेवल खुल जाएगा। इसके अलावा हम और भी कई सारे डेटा एनालिसिस करते हैं, इसमें होगा जी आई थिंक। तो
आपके जो डेटाबेस है ये अगर लोगों को लेना हो तो क्या सिस्टम है डेटाबेस और जो आपके शीट्स वगैरह हैं? उसका शंकर भैया आपको बता देंगे अभी। अच्छा, यहाँ पर देखिए 273, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो पीसीआर मैंने आपको निफ्टी में दिखाया ना, जैसे हम लोग डेटा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा रहा था, उस तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी करते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी आप देखो यहाँ पर कॉल राइटिंग कम हो रही है, पुट राइटिंग बढ़ रही है, पुट पढ़ने का मतलब सपोर्ट बढ़ रहा है, आप देख रहे हो इंटरनली। और यहाँ पर पीसीआर भी काफी ओवरऑल टेरिटरी में आ गया है, इसका हम लोग मैनुअली एंकर वीवैप भी कैलकुलेट करते हैं कि कौन से स्टॉक में एंकर वीवैप क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये अपने एंकर वीवैप के भी ऊपर चल रहा है। एंकर वीवैप हो गया आपका मतलब पास्ट डेटा के हिसाब से, तो ये अपने एंकर के भी ऊपर चल रहा है, इसको हम लोग मैनुअली वो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इससे क्या है कि आपको और भी काफी कंफर्मेशन मिल जाते हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये जितने भी टूल्स हैं काफी कॉमन सेंसिकल लगते हैं एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मार्केट में बिगर हैंड्स आर देयर टू ट्रैप अस एंड टेक मनी फ्रॉम अस, करेक्ट। तो जो टूल्स हम बोलते हैं कि ये हमें पैसा देंगे, वो टूल्स तो बिगर हैंड्स को मालूम है, उनको ही मालूम है कि हम यही देख के पैसा कमा रहे हैं, करेक्ट। तो जब उनको मालूम है कि हम ये देख के पैसा कमा रहे हैं तो हमें वो देख के पैसा कमाने क्यों देते हैं, मतलब दे विल ऑलवेज ट्रैप अस इन दोस टूल्स आल्सो। बिल्कुल 100%, 100%। इसीलिए मैं क्या करता हूँ आपको पता है, मैंने क्या किया अभी तक, आप एक चीज देखो कि ये जो हमने शीट बनाई है ये शीट क्या कर रही है, या ये जो डाउ पैटर्न है ये कर क्या रहा है। जैसे वो क्या करते हैं कि वो ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं जो वो चाहते हैं हम देखें और हम उस पर काम करें, और वो क्या करते हैं बेसिकली हमारे साइकोलॉजी से प्ले करते हैं। मार्केट खुलने के पहले हमको बता देते हैं कि भाई इस तरह का कोई माहौल बनेगा तो रिटेलर्स बाय करने लगते हैं जबकि उनको सेल करना होता है, करेक्ट है। तो अभी क्या होता है कि आप ये रीड करने लगो ना कि वो क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम रिटेलर्स की पोजीशन को ही तो निकाल रहे हैं। ये डिराइव डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये डिराइव डेटा जो हम निकाल रहे हैं इससे हमको यही पता चल रहा है ना कि आप कहाँ बैठे हो, किस साइड बैठे हो और किस प्राइस पे बैठे हो। मेरे को उनकी पोजीशन की साइज भी पता है, मेरे को उनकी प्राइस का भी पता है, तो जब मेरे को उनका पोजीशन भी पता है उनका प्राइस भी पता है तो फिर मैंने तो उनको रीड कर लिया ना। और इसके बाद इन्फॉर्मेशन जब मैं यूज करता हूँ तो मेरे को क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। करेक्ट सर, मेरा बस यही पॉइंट था कि हम लोग जो रीड कर रहे हैं पीसीआर, जैसे बताया आपने कितनी पुट राइटिंग हो रही है, कितनी कॉल राइटिंग हो रही है, इंटरडे में कैसे चल रहा है पीसीआर कर्व, कैसे मूव कर रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं विच इज एक्चुअली आल्सो सपोर्टिंग व्हाट बिगर हैंड्स आर डूइंग, बिकॉज अल्टीमेटली वो राइट कर रहे हैं तभी डाटा बन रहा है, बट उनको भी मालूम है कि एज दे आर राइटिंग वी आर एबल टू सी व्हाट दे आर राइटिंग, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि हम देख पा रहे हैं। आपने बोला ना कि वी आर एबल टू सी व्हाट दे आर राइटिंग, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है कि व्हाट आर यू एक्चुअली सीइंग। जैसे मैं आपको बताऊं ये जो डेटा है दिस इज नॉट द डेटा जो आपको मिलता है, ये डेटा हमने डिराइव किया है, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है कि जो भी आपको डेटा मिलता है वो मतलब आपको लाइव मिलता है, मतलब वो आया और फिर चला गया, यहाँ हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करने से हमारी ये पीसीआर डेटा लाइन बनती है। इस लाइन को भी कैसे यूज करते हैं हम लोग बताते हैं अपने मेंबर्स को कि कब इसमें हम ट्रेड लेते हैं और कब इसमें ट्रेड नहीं लेते हैं, कब ये जीरो लाइन टेस्टिंग होती है, कब जीरो लाइन क्रॉसओवर होता है, कब उस पर ट्रेड लिया जाता है, किस तरह से इस कर्व को हम यूज करते हैं, तो इन चीजों को, और यहाँ पर किस तरह से हम ओवरनाइट पोजीशन को करंट पोजीशन के साथ मिला के मार्केट के स्ट्रेंथ और लेवल या प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। इसके साथ हमारी और भी शीट्स हैं जिसमें हम पूरे ऑप्शंस चेन को वो करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर देखता हूँ अगर होगा तो देखिये, ये अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये हमारी एक और शीट है, तो दिस इज आवर ऑप्शन चेन शीट, आप लोग को दिख रही होगी ये यहाँ पर। यस सर, तो दिस इज एन ऑप्शन चेन शीट जो कि हाथ पकड़ के आपको चला देता है मार्केट में। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर यूजिंग और जो हम लोग देते भी हैं अपने मेंबर्स को। इसके साथ हमारे ये ज्ञान लेवल्स हैं जिसको हम लोग देते हैं, इसमें आपको एंट्री एग्जिट लेवल्स तक मिल जाते हैं। आई डोंट नो आप लोग को ये दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही सर अभी, अब दिख रही है। ये मैंने शायद एक दो बार आपके FFE ग्रुप पे दिया भी था, तो तो
तो विनय जी ये सब चीजें जो आप लोग कर बना रहे हैं इसका इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है, मेंबरशिप का क्या तरीका है? ये एक बार आप शंकर मिस्टर शंकर पंडित से बात करिएगा, वो आपको बता देंगे। शंकर भैया उन्होंने शायद नंबर भी दिया है, सो एक नंबर दिया है उन्होंने, वो नंबर पे बात करने से हो जाएगा ना। हाँ जी, तो शंकर जी भी थोड़ा दो मिनट बोल दीजिए ना इसके ऊपर आप। अभी शंकर जी आ रही थे, पंडित जी नहीं है क्या? हाँ हाँ आ गया सर, आ गया। हाँ तो थोड़ा बोलिए, थोड़ा पांच मिनट के ऊपर आपके वर्कशॉप और ये क्या है, मेंबरशिप में क्या है, थोड़ा मेंबर्स को पता चल जाएगा। यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट। सर देखिए बेसिकली हमने क्या किया है कि टोटल डाटा और मार्केट को हमने सिंक्रोनाइज किया है, एंड अभी हमने एक 20 मेंबर्स का एक बैच हमने बनाया हुआ है, 25 मेंबर्स का, और बेसिकली सबको हमने स्टॉक असाइन कर दिया है निफ्टी 50 के। तो अर्ली मॉर्निंग में हमको सबसे पहले हम उनको ये सिखलाते हैं कि इसमें लेवल्स क्या आपको निकालना है। एक बार लेवल्स जब कंफर्मेशन हो जाता है, जैसे एक्सिस बैंक का हमने लेवल निकाला था और जिस दिन वो हमारे मतलब सेक्रेट लेवल्स पे आया तो एक ही दिन में वो सीधा 100 पॉइंट का मूव दिया था। तो उस तरीके से वर्क्स आपका पहला चीज है कि उसमें हम पहले फर्स्ट उसमें ये है कि हम पहले लोगों को लेवल सिखलाते हैं। स्टार्टिंग हमारा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न से कि कैंडल स्टिक में कौन कौन से वैलिड हमारे पैटर्न्स हैं और उस पैटर्न्स पे हमको क्या क्या करना है, कैसे हमको ट्रेड लेना है, कैसे उस पे एंट्री और एग्जिट लेना है। उस इस पे करीब करीब हमने 4 सेशंस रखा है। उसके बाद प्राइस सेक्शन सेटअप जैसे डाउ थ्योरी है, उसके अलावा और कोई उसमें जैसे सेक्रेट लेवल्स है, एक बीएमए सेटअप हमारा है जो बहुत अच्छा इंट्राडे में काम करता है, फिर बोलिंजर बैंड है तो कन्वर्जेंस भी है उसमें, तो वो सारे सेशंस उसके लिए है। उसके बाद हमने रखा है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करने हैं, तो बेसिकली हम 3 या 4 इंडिकेटर्स पे हम उसमें लोगों को सिखलाएंगे जो बेसिकली जो मतलब ट्रस्टेड इंडिकेटर्स हैं, ट्रस्टेड। उसके बाद हम उस पे आ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शंस पे कि हमको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना शंकर भैया, वो वीडियो का लिंक यहाँ दे देते हैं। हाँ दे देते हैं तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। जनरली सर ये 36 सेशंस का हमने एक वर्कशॉप डेवलप किया हुआ है और ये बेसिकली ऑल इन वन है। इसमें हमने टाइम साइकिल, हेजिंग, कैसे हेज का स्ट्राइक डिजाइन करना है, कब कौन सा हेज करना है, जैसे होली ग्रेल जो हेज की बात बनी जी कर रहे थे वो बेसिकली इसमें आ जाता है। फिर टाइम साइकिल है, गान के कैसे कैलकुलेशंस हैं, कैसे उसको निकालना है। और ये डाटा शीट जो है ना सर, ये कंपाइल्ड वे में है कि डाटा शीट में बेसिकली देख करके आप इमिडिएटली जैसे कब मार्केट भागने वाला है या कब ये गिरने वाला है, ये डाटा शीट इमिडिएटली बता देता है। अब ये यूट्यूब लिंक आ गया है, उसमें सारे डिटेल्स हैं सर, तो उसमें देख सकते हैं लोग, ठीक है ना। और बेसिकली हमारा प्लान ये है कि हम जो है इसको देखिए, बहुत कोई हमारा ऐसा हाई फाई प्लान ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि लोगों तक पहुंचना और जो लोग लॉस कर रहे हैं ना बेसिकली उनको रोकना, क्योंकि जब तक वो लॉसेस चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक वो उनके लॉसेस रुकेंगे नहीं। और यही कारण है कि लोग बराबर जो है मार्केट को पैसा देते जा रहे हैं सिर्फ नॉलेज के अभाव में कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कौन से वैलिड है, कब ट्रेड करना है, और सबसे बेटर है कि कब ट्रेड नहीं करना है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक हमने वर्कशॉप डिजाइन किया हुआ है और इसमें विनीत जी का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें, जो सारी चीज़ों को हमने बहुत नज़दीक से उनसे देखा है। बेसिकली मैं एक वीक उनके साथ अभी कलकत्ता जा करके रुका और उनके साथ सारी चीज़ों को हमने देखा, उनके टोटल रिसर्च को देखा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी दिए हुए हैं। तो ऐसा है कि उनके एक्सपीरियंस का मैंने सोचा कि देखिए लोगों तक हम पहुँचे, लोगों को पहुँचाएं। ये डाटा शीट वगैरह भी है वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक बार पर्सनली, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि देखिए लोगों तक पहुंचे। इसमें पैसे का कोई बात नहीं है कि हम कुछ ऐसा चीज रखें कि जैसे आदमी अफोर्ड नहीं कर पाए, बिल्कुल नॉमिनल हम एक प्लान कर रहे हैं कि ये जन जन तक पहुंचे, ठीक है, कि जब आदमी जब ये चीजों को लाइव देख लेगा वो एक झटके में, क्योंकि एक आदमी ऑप्शन चेन देखने जाएगा और सारा उसको कंपाइल्ड एक तरीके से उसके सामने स्क्रीन पे ये एक एक हर 5-5 मिनट का डाटा रहेगा, क्योंकि एनएससी क्या करता है 5 मिनट में डाटा खत्म कर देता है, 3 मिनट में डाटा वो खत्म कर देता है, लेकिन ये डाटा का बैकअप आपके पास है कि पिछले 3 मिनट में क्या हुआ, अभी आपके पास क्या आ रहा है, तो आप लाइव देख सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ साथ में चलता रहेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स को मिले, सब मेंबर्स इससे बेनिफिटेड हो, ठीक है ना। मॉनेटरी ऐसा कुछ हमारा इमीडिएटली कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट एक नॉमिनल जो जिन लोगों ने इसमें डेवलप किया है, नियरली इट टुक 6 मंथ्स टू डेवलप, ठीक है ना। तो इसमें अच्छे अच्छे हमने
जो है आईटी के लोगों का मदद लिया है, तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा कुछ नॉमिनल चार्जेज लेंगे जस्ट फॉर देयर ऑनरेरियम, बट हमारा इसके पीछे कोई बिजनेस मोटिव नहीं है एज ऑफ नाउ। तो हम चीजें आपसे एक बार डिस्कस करेंगे कोठारी साहब, एंड उसके बाद देन वी विल थिंक। एफएफपी मेंबर के लिए ग्रुप बना सकते हैं अपन, एक एक्सक्लूसिव अपना वर्कशॉप करा सकते हैं अपन एक। हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसा भी प्लान किए हुए हैं कि जो मेंबर्स रहेंगे एक बार उनके साथ कहीं भी एक बार सिटी टू सिटी एक बार कहीं गेट टुगेदर का प्लान करेंगे, कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव से उसमें ये करेंगे। तो विनीत जी के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब कह सकते हैं कि ही हैज ए ट्रेजर, समझ रहे हैं ना, जो ट्रेजर उनके पास है। जैसे आपके पास एक ट्रेजर है, तो ट्रेजर जो है हिडन रहना नहीं चाहिए, हिडन रहेगा तो हमारे एंसेस्टर्स को, मतलब जो हमारे जनरेशन के बाद जो आएंगे डिग करेंगे तो उनको मिलेगा, तो हमको एंसेस्टर नहीं बनना है, प्रेजेंट में ही सभी को उसको अवेलेबल कराना है। अपना फिलॉसफी वही है ना, अपना एफएफई का फिलॉसफी तो वही है कि अपन शेयर ही करते हैं लोगों के साथ में हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कभी वो सभी यंगर जनरेशन को जाएगा और फिर यंगर जनरेशन से और आगे जाएगा, दैट इज व्हाट वी फॉलो, नहीं तो अपन अपने साथ ही लेके चले जाएंगे। नहीं नहीं, यही हमारा मोटिव है सर, ठीक है ना। तो बहुत सारे तो लोग मेरा ये सजेशन था कि एफएफई मेंबर के लिए, क्योंकि अपना बहुत बड़ा बेस है, तो उसके लिए अपन एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप जो है कर सकते हैं, एंड देन वी कैन प्लान नाउ आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे वो सर, हमने सारा कुछ डेवलप किया हुआ है बेसिकली। इसके पीछे थीम जो है ना, बेसिकली थीम जो बेसिकली जब सोम शर्मा साहब से हम लोग ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो डाटा सेट उन्होंने डेवलप किया है, तो उसके पीछे फिर हम चार पांच आईटी के अच्छे अच्छे मेंबर्स जो एक्सपर्ट थे उनको हमने लिया, और उनसे हमने विनीत जी ने मतलब ये समझ लीजिए कि डेली 8-8 घंटे लग करके उनके पास सारा डाटा देते थे कि हमको ये चीजें चाहिए, वहां से आप ये करके दो कि एक जगह हमको सारी चीजें मिल जाए। इसमें और भी एडवांस उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि सर आप एक ग्लिंस में देखेंगे कि अभी जो है निफ्टी अभी भागने वाला है 5 मिनट पहले, तो आपको इंस्टेंट एक कैंडल में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे निफ्टी जा रहा है, किधर जाने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन आप मॉर्निंग में तय कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं उसमें, तो सब चीजें हम आपसे एक बार पर्सनली डिस्कस करेंगे, एंड एक बार हम वर्कशॉप इसका डिटेल्स रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें आएंगे, ठीक है। तो होप कि आज के वेबिनार से सभी लोगों को बेनिफिट थोड़ा बहुत तो जरूरी हुआ होगा। मैं नहीं, बहुत बढ़िया वेबिनार था, और विनीत जी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, दैट वाज द ग्रेट थिंग, मतलब इतना प्लेन और इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया ना, दैट वाज अ रियल रिमार्केबल था, बहुत ही बढ़िया लगा, दैट वाज रियली, मेरे को सही बता रहा हूँ, इतना उम्मीद नहीं था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका लेवल ये है, आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट वाले लेवल पर है, रियल एक्सपर्ट वाले लेवल पर है। मैं बोला ना सर कि बेसिकली वो एडवांस लेवल पे है, ठीक है ना, और यही कारण था कि मैंने बेसिकली बोला था कि वेबिनार एक विनीत जी का रहे, आपने जब बताया था, क्योंकि जब उनसे मिल करके मैं आया था तो मैंने बोला कि उसे कर लीजिए, लेकिन बीच में उनके फादर की तबीयत खराब हो गई, तो आपको पता ही होगा कि जनरली ये वेबिनार 6 times पोस्टपोन हुआ है, पहले पोस्टपोन हुआ आपको याद होगा, अभी 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 फादर की तबीयत ठीक है विनीत जी। तो विनीत जी की सेवाएं ग्रुप के लिए मेंबर्स को मिलती रहेंगी, और हम चाहते हैं कि विनीत जी जन जन तक पहुंचे, इनके वर्क्स जो है जन जन तक पहुंचे, ठीक है ना। उसके लिए मैं एक बार पहले बात करूंगा आपसे, हम विनीत जी आप और जो भी एक दो एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ बैठ करके वेबिनार करेंगे, उसमें सारी चीजें पहले हम आपको बताएंगे कि उसमें एडवांस अभी क्या क्या आया हुआ है, ठीक है ना। गान के साथ में भी, गान के लेबल्स तो इतने परफेक्ट काम करते हैं सर कि हम तो देख करके अमेज हो जाते हैं कि मतलब एग्जैक्टली टाइमिंग का 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं आता है। अच्छा, गान जो, और उस गान, ये गान जो है ना सर, स्टॉक्स पे भी इन्होंने बना दिया है, मतलब निफ्टी के जो एफएनओ स्टॉक्स है 200 उस पे भी बने हुए हैं। अच्छा, तो वो भी बता देते हैं कि ये कहाँ से रिवर्स करने वाला है, ये कब भागने वाला है, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो एक बार हम डिटेल्स वेबिनार आपके साथ करेंगे, बाजार में लोग इसका इसी को बताने का 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, क्या बात है। हमने वो सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है सर। एक्चुअली जनरली हमने जो वर्कशॉप डेवलप किया है सर, वो 36 सेशंस का है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, और क्या ये एवरी संडे कर रहे हैं या एवरी डे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बेसिकली सर इसका ड्यूरेशन 5 महीने का होगा, और इसमें हम हैंड होल्डिंग भी रखे हुए हैं, डाटा के साथ में सारा कुछ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, और लोगों को मतलब स्क्रैच लेवल से हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल में एक बार जब लोग एंट्री करते हैं, बड़े बड़े जगह पे चले जाते हैं, तो लोग क्या होता है कि वहाँ पे लोग चले जाते हैं एडवांस लेवल पे, एडवांस कोर्सेस करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, बाजार को फिर पैसा देते रहते हैं, तो वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं। हम स्क्रैच लेवल से चल रहे हैं कि आदमी को कहाँ से शुरू करना चाहिए,
और कहां से उसको फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि आदमी जैसे एक जगह से शुरुआत करे और एक ट्रेड लेने के लिए सक्षम हो जाए, जहां पे अपनी दाल रोटी अर्न करने लायक सक्षम हो जाए, और यदि उसमें और अच्छा करता है तो एक्सेलेंसी की सर कोई लिमिट नहीं है। यदि अच्छे से यदि उसने काम करना शुरू किया तो फिर वो बहुत हैंडसम। आज के ही हमारे सारे लोगों के लॉसेस खत्म हो गए, सब ने कुछ अर्न करना शुरू कर दिया, सभी ग्रीन में आ गए हैं सर, ठीक है ना। तो दैट इज हिज पर्सनल एफर्ट्स और उनके R&D हैं, ठीक है ना। तो होप कि आज सभी लोगों ने बेनिफिट लिया होगा और हम आशा करते हैं कि हम भविष्य में ऐसे ही अपनी सेवाएं जो है कोठारी जी के माध्यम से हम देते रहेंगे, क्योंकि कोठारी जी को हम कहा जाए कि इस FAP और ये फाइनेंशियल लोगों के लिए वो जनक कहे जाते हैं। बेसिकली ही इज द ओरिजिनेटर फॉर दिस ग्रुप और बहुत पहले से हम इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका एक आपको बता दूं कि हेल्थ ग्रुप भी है, हेल्दी टिप्स फॉर डायबिटिक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट में वहां से जुड़ा और वहां से फिर हम जर्नी शुरू हुई, फिर उसी में से फिर हम लोग FAP में आए और मेरे ख्याल से जर्नी चलते हुए 2 साल हो गए सर, 2.5 years हो गया मेरे ख्याल से ना। तो वेरी बिगिनिंग से हम कोठारी साहब से जुड़े हुए हैं और कोठारी साहब ने जो लाइब्रेरी खोल रखा है वो आप लाइब्रेरी का भी आप लोग फायदा उठाइए, क्योंकि उनकी अथक मेहनत का परिणाम है। करीब करीब उनके पास 12-15 हजार किताबें भी हैं, ठीक है ना। कुछ तो फ्री है, सब फ्री है। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्री है तो जो खोजिए वो आप लोग मिले, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को पता नहीं होगा इतना इन डेप्थ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं शुरू से जुड़ा हुआ तो इसलिए मुझे सारी चीजें पता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेवाएं मिलती रहेगी, ठीक है कोठारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। और कोई कुछ बोलना चाहता है? रामकी, आर यू देयर? रामकी जी पहले एक वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, ठीक है ना। आई डोंट मिस यूर्स। मैंने ख्याल से आई नॉट मिस सर, फोर फाइव वेबिनार्स कर चुके हैं सर। द क्लैरिटी यू नो विनीत ब्रॉट आउट इन टुडेस प्रेजेंटेशन, यू नो इट वाज सो लाइवली, आई डोंट नो हाउ 2 hours हैव गॉन। I could not even speak because I didn't get any doubt. The clarity was so much showing the... So you always say, no, PKG, that you are not so good in technical. Now you'll become expert. I have to take the mentorship from Vinitji now to become the expert. Yeah. It was simply amazing presentation. So absorbing. And the confidence with which, you know, he was presenting, you know, so lively it was. I mean, any queries, so many queries, and so patiently he was, you know, responding to each and everything. Simply amazing. God bless. Thank you, PK, for picking up such wonders in the group. So James, I will say diamonds now. These all are diamonds now in our group. That is what I will say. Chaliye. Okay, then. One thing I would like to say. Excellent session, Vinji. And since I am from Kolkata, I can say only one thing about Kothari ji. I can only compare him with Vidyasagar. It's just like that. No other comparison, sir. Arunav ji, you will surprise to know that Vinit ji is also from Kolkata and I am also from Kolkata. Okay, but now I am in Hyderabad. And Vinit ji itself, he is in Kolkata. Bhavanipur. Oh, okay. Alipur. Achha, I'm Bhavanipur. 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 Achha, achha, I know. That area very well. Chaliye. Okay, then we'll end now. Thank you very much to everybody, and I'll upload this video in the YouTube.